नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमरेंद्र उपाध्याय। देश की राजनीति में इस समय जबरदस्त उठापटक मची हुई है। हालांकि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार बन गई है, लेकिन सरकार के कामकाज को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं और सरकार के कामकाज के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति है वो भी काफ़ी कुछ देखने को मिल रही है। तो इस पूरे प्रकरण की समीक्षा करने के लिए डीबी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया, तो आइए सुनते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश। साभार, अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश। साभार, दोस्तों, दिल्ली का मौसम अब बदलने लगा है। भीषण गर्मी और लू के थपेड़ों के बाद बारिश की शुरुआत हो गई है दिल्ली में। हल्की बारिश, थोड़ी सी हवा, लेकिन इस बदलते मौसम में भी मोदी को राहत के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली समेत पूरे देश में इस समय सियासी मौसम बीजेपी और एनडीए के अनुकूल नहीं है, उसके बिल्कुल विपरीत है। और दिल्ली का जिक्र, दिल्ली के मौसम की बात यहां इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी आज के बाद, आज शनिवार है, कल रविवार और परसों सोमवार से दिल्ली में पूरा एपी सेंटर जो होगा सियासत का वो दिल्ली होगा। और दिल्ली में मौसम के साथ साथ जो सियासी मौसम है उसकी गर्मी, उसकी गर्माहट भी अगर रही तो समझ लीजिए कि इस देश का क्या हाल होगा। तो एक तरफ बीजेपी के भीतर अब तक हार के कारणों पर घमासान मचा हुआ है, तो वहीं दूसरी तरफ 24 जुलाई से शुरू होने वाले संसद सत्र को लेकर भी बीजेपी परेशान है, क्योंकि इस सत्र में उसे एक तरफ इंडिया गठबंधन का सामना करना है और दूसरी तरफ एनडीए के अपने ही साथियों की मदद भी हासिल करनी है। जी हां, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। कुछ मुद्दे हैं जिनके बारे में पहले से ही पता है कि संसद में बीजेपी उन पर घिर सकती है, जैसे शेयर मार्केट स्कैम, पेपर लीक और अग्निवीर योजना पर विपक्ष के सख्त तेवर पहले ही नजर आ गए हैं और इसमें बीजेपी पर उंगलियां उठ रही हैं। और दूसरी तरफ स्पीकर का चयन, डिप्टी स्पीकर को लेकर रणनीति, इन सब पर भी बीजेपी फंसी हुई है। बीजेपी के फंसे होने का सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि इस बार मोदी, शाह या नड्डा की जगह राजनाथ सिंह बैठकें करके स्पीकर पद के लिए सभी दलों को राजी करने पर जुटे हुए हैं, लेकिन टीडीपी के पत्ते अब तक नहीं खुले हैं। वहीं डिप्टी स्पीकर पर इस बार इंडिया गठबंधन भी पीछे नहीं हटेगा, यह भी साफ है। राजनाथ सिंह इन दोनों हालात में कोई बचाव का रास्ता निकालने की कोशिश में लगे हुए हैं। और इधर शेयर मार्केट स्कैम और पेपर लीक पर भी एनडीए के साथी, खासकर जेडीयू और टीडीपी, क्या बीजेपी के साथ खुलकर खड़े हो पाएंगे, यह भी देखना दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि इन दोनों दलों की स्थिति अपने अपने राज्यों में इस वजह से बिगड़ सकती है। दरअसल एनडीए में पड़ रही यह दरार बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकती है। वहीं बीजेपी के भीतर इस वक्त नेताओं के बीच जो जोर आजमाइश चल रही है उसमें भी मुश्किलें बढ़ रही हैं। यूपी में बीजेपी के नेता आपस में भिड़ रहे हैं और एक दूसरे पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। आपने देखा कि उत्तर प्रदेश से कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं कि बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़ रहे हैं। कई ऐसी तस्वीरें आई जहां बिल्कुल जूतम पैजार वाली स्थिति हो गई। और उधर राजस्थान में भी ऐसा ही हो रहा है, उधर महाराष्ट्र में वहां भी ऐसा ही कुछ हाल है, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार को साथ लेकर चलना बहुत मुश्किल हो रहा है। अभी शिंदे गुट के नेता रामदास कदम ने बताया है कि लोकसभा चुनावों में टिकट बंटवारे में देरी और बीजेपी की वजह से कम सीटें आई हैं और अब आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें शिंदे गुट 100 सीटों की मांग कर रहा है। अगर 100 सीटें नहीं दिए तो फिर हम आपके साथ नहीं लड़ेंगे चुनाव। ये बात कहीं ना कहीं पहुंचाई जा रही है शिंदे गुट की तरफ से, शिवसेना शिंदे गुट की तरफ से बीजेपी के सामने रखी जा रही है, शर्त रखी जा रही है। और इसके साथ ही अजीत पवार की एनसीपी से भी नाराजगी दिख रही है। अजीत पवार की जो एनसीपी है उसकी नाराजगी जो है वो बीजेपी से दिख रही है और उसकी नाराजगी शिंदे गुट से भी दिख रही है। महाराष्ट्र के ये हालात बीजेपी और महायुति के लिए, जो महायुति की सरकार कहते हैं उसके लिए अच्छे नहीं है, ये साफ नजर आता है। जबकि महाविकास आघाड़ी यानी जिसमें एनसीपी है,
है, कांग्रेस है और शिवसेना उद्धव गुट है, वहां अभी से चुनावों की तैयारी चल रही है और ये महाविकास आघाड़ी अभी से चुनावों की तैयारी में लग गया है। उधर राहुल गांधी और अखिलेश यादव लगातार मोदी सरकार को घेर रहे हैं। राहुल और अखिलेश का जिक्र यहां इसलिए क्योंकि ये दोनों ऐसे नेता हैं जो अभी सोमवार से गरजते हुए दिखाई देंगे आपको सदन के अंदर, और एपी सेंटर अगर विपक्ष का कोई है तो वो राहुल गांधी हैं। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ें, और चूंकि कहा जाता है कि दिल्ली की कुर्सी जो है वहां तक पहुंचने के लिए उत्तर प्रदेश से दरवाजा खुलता है, तो उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े नेता आज की तारीख में अखिलेश यादव हैं। इस लोकसभा चुनाव के बाद पहले नंबर की पार्टी, उस लिहाज से अखिलेश यादव भी लगातार घेर रहे हैं नरेंद्र मोदी को। आज अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा है, क्या कुछ लिखा है ट्वीट करके जरा वो आपके सामने लाना चाहता हूं। अखिलेश यादव लिख रहे हैं कि चुनाव में पराजय के बाद, जी हां सुनिए, चुनाव में पराजय के बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश में कन्नौज, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में प्रशासनिक विफलता की वजह से हत्या और फसाद हुआ है वो निंदनीय है। भाजपा सरकार किस वजह से ऐसे उत्पीड़न पर उतारू है इसे जनता समझती है। दिल्ली लखनऊ की लड़ाई में, जी हां ये सुन लीजिए, दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की जनता क्यों पिसे। पराजय से जन्मा ये प्रतिशोध सामाजिक आक्रोश को ही जन्म देगा, इससे किसी का भला होने वाला नहीं। निंदनीय मामला जो है ये हत्या और फसाद का है, और ये मामला कन्नौज, फिरोजाबाद और अलीगढ़ में प्रशासनिक विफलता के कारण है। ये सारी बातें लिख रहे हैं, लेकिन इसकी जड़ क्या है? जड़ में है लोकसभा चुनाव में पराजय भाजपा की, और उस पराजय के कारण अगर आप जनता से, अगर किसी भी ढंग से आप उसका बदला ले रहे हैं तो यह गलत है। आपने अभी सुना होगा कि बिहार के एक सांसद महोदय कह रहे हैं कि अगर जिन जिन मुसलमानों ने और यादवों ने मुझे वोट नहीं दिया तो मुझसे भी कोई उम्मीद वो ना पालें, आएंगे हमारे घर तो हम चाय पिला देंगे लेकिन उनका काम नहीं करेंगे। ये क्या कहलाता है? क्या एक जनप्रतिनिधि इस लोकतंत्र में, आपको कोई वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आप उन वोटर्स के प्रतिनिधि नहीं हैं बल्कि आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, ये बात और ये कस्में खाते हैं आप? आप संसद की टेहरी पर पहुंचने से पहले ये कसम खा के वहां तक पहुंचते हैं, और संसद की टेहरी पे अंदर जाने के बाद भी परसों कसम खाएंगे आप। प्रोटेम स्पीकर फिर से आपको कसम खिलवाएंगे कि जो भी करूंगा वो मर्यादा के अंदर रहकर करूंगा, और मर्यादा क्या है? वो ये है कि जो संविधान है उसकी मर्यादा, ये संविधान है दोस्तों, ये संविधान देखिए, भारत का संविधान, इस भारत के संविधान को समझने की जरूरत है। इस भारत के संविधान के दम पर ही ये चुनाव जो है वो लड़ा गया, यही भारत का संविधान है, और इस संविधान के की मर्यादा का पालन करना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ऐसे नेता इस संविधान की मर्यादा का पालन करते हैं? ये बड़ा सवाल है। खैर, अखिलेश यादव ने बात जो रखी है बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन दूसरी तरफ इसी संविधान की दुहाई देते हुए राहुल गांधी ने भी इस चुनाव में अपनी बाजी लगा दी थी। और राहुल गांधी इससे पहले आप याद कीजिए, तेलंगाना हो या कर्नाटक, इन चुनावों में भी जो विधानसभा के चुनाव थे उसमें भी राहुल गांधी एक मात्र ऐसे नेता कांग्रेस पार्टी के थे जो कहते थे कि हम जो यहां पर वादे कर रहे हैं वो गारंटी की तरह है, उसे पूरा करेंगे। राहुल गांधी ने आज तेलंगाना में किसानों की कर्ज माफी को लेकर के जो वादे किए गए थे उस वादे को पूरा करने के बाद ट्वीट किया है, और लिख रहे हैं राहुल गांधी की तेलंगाना के किसान परिवारों को बधाई, कांग्रेस सरकार ने आपके 2 लाख रुपए तक के सभी ऋण माफ कर किसान न्याय के संकल्प को पूरा करने की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है जो 40 लाख से ज्यादा किसान परिवारों को कर्ज मुक्त बनाएगा। 40 लाख किसानों को 2 लाख रुपए हर परिवार के जो कर्ज माफी की बात है वो यहां कह रहे हैं राहुल गांधी, जो कहा करके दिखाया, यही नियत है और आदत भी। कांग्रेस सरकार का मतलब है राज्य का खजाना किसानों और मजदूरों समेत वंचित समाज को मजबूत बनाने में खर्च होने की गारंटी, जिसका उदाहरण है तेलंगाना सरकार का ये फैसला। हमारा वादा है कांग्रेस जहां भी सरकार में होगी हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों पर खर्च करेगी, पूंजीपतियों पर नहीं। तो ये राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी का ये ट्वीट बहुत मायने इस हिसाब से रखता है कि इसी चुनाव में, ये तो खैर जो वायदे हैं ये वायदे थे, ये वादा था विधानसभा चुनाव के समय का, लेकिन
ये जो लोकसभा का चुनाव लड़ा गया उस लोकसभा के चुनाव में बीजेपी की तरफ से जो संकल्प पत्र आया था, आप याद कीजिए, उसके हर पन्ने पर मोदी की गारंटी लिखा हुआ था। मोदी की गारंटी और इधर कांग्रेस की गारंटी, दोनों में फर्क है। कांग्रेस की गारंटी, कांग्रेस बता रही है कि जिन राज्यों में हमारी सरकारें हैं वहां हमने जो गारंटी दी उसे फुलफिल कर रहे हैं, हम उसे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। और यहां इस ट्वीट में राहुल गांधी ने साफ साफ लिखा है कि हमारी गारंटी, हमारा वादा कि हिंदुस्तान का धन हिंदुस्तानियों के बीच हो, कुछ चंद पूंजीपतियों के बीच न बटे। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन इन सबके बीच क्या चंद्रबाबू नायडू ने जो गारंटी दी है और एनडीए की सरकार जो काबिज हुई है आंध्र प्रदेश में, उस गारंटी, उन गारंटियों पर बीजेपी मुहर लगाएगी? बड़ा सवाल है। और अगर बीजेपी मुहर नहीं लगाएगी तो यहां से वो घमासान जो हम यहां लिख रहे हैं कि संसद सत्र से पहले एनडीए में घमासान, उस घमासान की शुरुआत होती है। क्या वो गारंटी जिस गारंटी को लेकर नीतीश कुमार चुनाव लड़ रहे थे बिहार में लोकसभा का चुनाव, लेकिन विधानसभा पर भी वही काबिज हैं, डबल इंजन की सरकार है, केंद्र में भी बीजेपी एनडीए की सरकार और प्रदेश में भी एनडीए की सरकार, क्या वो गारंटी देंगे नरेंद्र मोदी कि दिल्ली बिहार को केंद्र जो विशेष राज्य का दर्जा मिल जाएगा, ये गारंटी देंगे? अगर नहीं तो घमासान होगा। और यही घमासान आगे कैसे बढ़ रहा है इसकी चर्चा हम यहां करेंगे। और इस घमासान के साथ साथ कैसे आने वाले समय में जो 24 तारीख से जो सत्र शुरू हो रहा है, संसद का सत्र, उस सत्र में कैसे आप देखेंगे ये घमासान धरातल पर आते हुए? हो सकता है कि नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से बीजेपी का स्पीकर चुनवाकर ले आए, चुन लें, बैठा दें, लेकिन क्या ये 272 वाली सीटों के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार है या 240 सीटों वाली, ये समझना होगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक की ये सियासी हलचलें बता रही हैं कि इस बार बीजेपी के लिए सत्ता का सफर आसान नहीं रहने वाला है। संसद सत्र की शुरुआत से ही तूफान के संकेत दिखाई दे रहे हैं। क्या एनडीए सरकार को इस तूफान से बचा पाएंगे नरेंद्र मोदी? यह बड़ा सवाल है और इन सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं आज इस चर्चा में। लेकिन चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले, राहुल गांधी परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने कहा था कि नरेंद्र मोदी का ध्यान नीट के छात्रों पर नहीं है, नरेंद्र मोदी का ध्यान स्पीकर पद पर है। सुन लेते हैं, हमारे तमाम साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। पैनलिस्ट साथी हमारे, वरिष्ठ साथी, उनसे आपका परिचय करवाऊंगा। पहले राहुल गांधी के इस वक्तव्य को, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बात कही थी उसको सुन लेते हैं, फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। सुनिए जरा। तो सुना आपने, शुरुआत में ही राहुल गांधी कह रहे हैं कि ही इज नॉट बॉदर अबाउट नीट, मतलब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसकी चिंता नहीं है कि नीट के छात्रों का क्या होगा, उनकी चिंता है कि हमारा स्पीकर बन जाए, और यही सबसे बड़ी चिंता है नरेंद्र मोदी की। लेकिन इस चिंता के बीच जो मीटिंग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, छोड़िए नरेंद्र मोदी को, जेपी नड्डा, अमित शाह, इन दोनों के बंगलों पे, घरों पे जो मीटिंग्स होती थी, वो मीटिंग्स अब राजनाथ सिंह के घर पे क्यों हो रही है? मीटिंग पे मीटिंग जानने समझने में ज्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और इसीलिए यह चर्चा और लाजमी है कि क्या यहां से, चाहे शिंदे गुट हो, चाहे और भी हो, छोड़ दीजिए, रोज रोज हम सरकार भी नहीं गिरा रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह सरकार गिर रही है तुरंत कल गिर जाएगी, लेकिन इतना तय मानिए, यह सरकार नरेंद्र मोदी और उनकी जो बीजेपी है उनके कर्मों से ही गिरने वाली है और जल्दी गिरने वाली है। इतना तो हम बहुत गारंटी के साथ कह सकते हैं, जिम्मेदारी के साथ कह सकते हैं। चलिए पहले चलते हैं, हमारे तमाम साथी जो जुड़े हुए हैं उनके बीच, उनसे आपका परिचय करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारे साथ इस वक्त चार वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं मनोरमा जी, जुड़ी हुई हमारे साथ, हमारे साथ नवेंदु जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं इस कार्यक्रम में। सीधा सबसे पहले नवेंदु जी आपके पास आना चाहता हूं। नवेंदु जी, दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिहार में अगर बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा अगर नहीं मिला, विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, तो नीतीश बाबू की राजनीति कब तक ऐसे ही आगे बढ़ती रहेगी? और कब तक नीतीश बाबू कभी हाथ पकड़ेंगे, कब तक पैर पकड़ेंगे? और वैसे ही चंद्रबाबू नायडू
ने जो वायदे किए हैं, जो उनका जो घोषणा पत्र है, उस घोषणा पत्र के वादे अगर वो पूरा नहीं कर पाए तो कब तक वो हाथ पकड़कर, हाथ थाम कर चलते रहेंगे और आगे बढ़ाते रहेंगे, मोदी जी नहीं नहीं आप आगे बढ़िए, हम पीछे पीछे हैं आपके साथ पुश करने के लिए, कब तक ऐसा चलता रहेगा? और ये इन दोनों को छोड़ भी दीजिए, कई सारे उनके और भी साथी हैं। रामदास कदम का बयान आपने देख लिया, कह रहे हैं कि टिकट बंटवारे में देरी और बीजेपी की वजह से हम लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा है, और खासकर महाराष्ट्र में जो सीटें कम हुई हैं, और अगली जो अगला जो विधानसभा का चुनाव है उसमें हमको 100 सीटें चाहिए वरना हम आपके साथ नहीं रहेंगे। और ऐसे अंदर खाने बहुत लोग हैं जो उबल रहे हैं, जो हमारे आपके बीच तो आकर बात करते हैं लेकिन वो कैमरे के आगे कुछ और कहते हैं, भक्ति रस में वो डूबे रहते हैं, ये सब कुछ हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, यहां बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन क्या इस हिसाब से अंदर खाने जो चल रहा है, और जो उत्तर प्रदेश की तस्वीरें आ रही हैं जहां मार पिटाई हो रही है आपस में ही, समीक्षा बैठक के लिए बीजेपी के कार्यकर्ता बुलाए जाते हैं, बैठते हैं, उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है, ये तस्वीरें खूब वायरल हो रही हैं, कोई हम यहां बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसे कब तक चलेगा? 24 तारीख से संसद की शुरुआत हो रही है, 9 दिनों की ये बैठक होने वाली है, लेकिन उस बैठक से क्या तस्वीरें आप देख रहे हैं नवेंदु जी? प्रिया, तस्वीर तो बहुत ही भयावह है और मोदी जी के लिए खास तौर पर। और एक जो बात है ना कि वैसे तो बीजेपी या मोदी जी की पूरी जो नीति रही तो उसमें तो इसको मोहब्बत बहुत दूर की बात है, लेकिन यहाँ जिस हालत में अब मोदी जी खड़े हो गए हैं और उन्होंने एक नए तरीके का इश्क साधने की कोशिश की कि एनडीए के जरिए और फिर उन दलों को साधने की कोशिश जिन दलों के साथ मोदी की विचारधारा ही मेल नहीं खाती है, यानी मूलतः तफरका है, तो इसलिए मुझे यही कहना है कि ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। तो एक आग का दरिया है, डूब के जाना है। तो इस बार जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ये तीसरे टर्म में जो है वो बिल्कुल आग के दरिया में है, और फिर इसमें अगर उसे डूब के ही पार लगना पड़ेगा, और उस डूब के पार लगने में इसकी पूरी अंदेशा, पूरा अंदेशा इसका दिखाई दे रहा है, और एक तरह से कहें तो संभावना भी दिखाई दे रही है। तो संभावना और आशंका दोनों है कि इस दरिया में शायद ये सरकार जल जाए, और फिर उस तरीके से कहें कि इस सरकार का वो वजूद ही खत्म हो जाए जिस तरीके से एक अल्पमत की सरकार जिसने जनादेश उस तौर पर हासिल नहीं किया जिस तौर पर इसके दावे थे, और बावजूद इसके सरकार चला रही, तो मुश्किल है। अब देखिए, ये दो टूक बात की है कि इस सरकार चलाने में जो चौतरफा जो आपने जिक्र किया कि दल के अंदर दल के बाहर जो मदर इंस्टीट्यूशन है उनका आरएसएस, आरएसएस के साथ और आरएसएस के अंदर भी कई मंथन चल रहे हैं बीजेपी और मोदी शाह के नेतृत्व को लेकर के। दूसरी बात यह है कि जो एनडीए है, एनडीए के घटक दल जिनकी बैसाखियों पर खड़ी है ये मोदी सरकार, तो बिल्कुल साफ तौर पर बात है कि उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर कहें कि नायडू है या सबसे इंपॉर्टेंट नीतीश कुमार है, तो मेरी समझ से ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन नायडू इस मामले में ज्यादा बढ़त लिए हुए हमें दिखाई दे रहे हैं, इसलिए कि नायडू ने अभी आंध्र में अपनी फुल मेजोरिटी की सरकार बनाई है और उनके सदस्य भी 72 के आसपास जीत कर आए हैं, तो एक बड़ी बात है। 176 या उतने की विधानसभा है, तो एक भारी बहुमत से उनकी सरकार है, ताकतवर सरकार है, और वो अपनी सरकार को बखूबी चलाएंगे, और उसके साथ साथ फिर केंद्र के साथ उनके तौर तरीके अपनी आजमाइश, जोर आजमाइश करेंगे कि केंद्र से कितना कुछ निकल पा रहा है। तो असल बात है कि आंध्र के विकास के लिए, और आंध्र के विकास के लिए एक मजबूत सरकार बिठा दी है नायडू ने अपने स्टेट में, अब वो उसके बाद उनकी लड़ाई शुरू होती है, तो एक बिल्कुल बाहुबली की तरह मुझे लग रहा है कि नायडू हैं और वो लड़ेंगे केंद्र से, और वो लड़ाई है दरअसल पैसे की, फंड की, उस आर्थिक सहायता की, जिस सहायता को लेकर आंध्र का विकास होना है। नायडू ने भी अपनी जनता से वायदे कर रखे हैं, और उस वायदे में जाहिर तौर पर उनको भी मालूम है कि एक नया राज्य बना है आंध्र, और तेलंगाना कट गया है उससे, तो
वो एक तरह से उसके लिए कई मुश्किलात हैं, उन मुश्किलात में उसको पैसे चाहिए। वो जो जनता से किए चुनावी वादे हैं उन चुनावी वादों को पूरा करने के लिए भी पैसा चाहिए। नई राजधानी अमरावती को बनाने के लिए पैसा चाहिए, साइबर सिटी बनाने के लिए पैसा चाहिए। तो ये पैसा वो जाहिर तौर पर उनका स्पष्ट टारगेट है कि वो मोदी सरकार से निकालेंगे। तो मोदी सरकार आगे फंडिंग को लेकर के राज्यों को फंडिंग देने के मामले में वो जा करके उसको फंसना है, और उस फंसने में सबसे बड़ी मुश्किल आंध्र के साथ आएगी। दूसरी बात, अभी आपने कहा बिहार नीतीश कुमार, नीतीश कुमार का भी बिल्कुल मिलता जुलता केस है। वो केस है इनके स्पेशल स्टेटस का या फिर स्पेशल पैकेज का। जब वाजपेयी जी के समय में ही जब बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड अलग हुआ, तो 2000 से ही कहा गया था कि स्पेशल पैकेज बिहार को दिया जाएगा, ये बीजेपी गवर्नमेंट का वादा था। लेकिन वो स्पेशल पैकेज नहीं मिला। जो 2015 के विधानसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी ने जो 1.25 लाख का एक विशेष पैकेज उन्होंने घोषित किया था आरा लोकसभा क्षेत्र की चुनावी सभा में, तो वो बिल्कुल एक उसी तरह से फेंकू वाला अंदाज था, और वो उन्होंने फेंक कर वो चल दिए, उसका कुछ नहीं मिला। यानी कि जो उन्होंने अपना गणित बैठा कर दिया उसमें वो सारी केंद्रीय सहायता थी जो राज्यों को मिलती है अपने फेडरल स्ट्रक्चर में, उस फेडरल स्ट्रक्चर में दी जाने वाली सहायता थी जिसको वो नरेंद्र मोदी ने एक आई बात किया। अब नीतीश कुमार को चाहिए विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज, और एक इस पर पहले से पेच फंसा हुआ था राजीव जी, अब एक नया पेच फंस गया है। देखिए ये सबसे दिलचस्प है, और इसीलिए नीतीश का कोई बयान भी नहीं आया है इस पर, और बिल्कुल खामोश है। वो है आरक्षण पर हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है 75% आरक्षण देने के मामले में, और ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। बिहार सरकार ने कहा है कि हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे इसको लेकर के। तो ये 75% आरक्षण जिस पर नीतीश की पूरी सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स डिपेंड करती है, वो अब जाके अधर में फंस गया है। अब यहां पूरा वास्ता मोदी से आके पड़ गया है। मोदी से कनेक्शन क्या है? जैसे ही ये विधेयक पारित हुआ था विधानसभा में और कानून बना था राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद, तो बीजेपी समर्थित कई जो लोग थे वो हाईकोर्ट में गए थे, लेकिन तब हाईकोर्ट ने तत्काल तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। लेकिन फिर और याचिकाएं पड़ी, मामले की सुनवाई हुई, और अंत में फैसला आया कि भाई ये 75% आरक्षण पर हम रोक लगाते हैं, ये अवैधानिक है। अब ये सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार सरकार ने महागठबंधन में तब ही कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी से ये रिक्वेस्ट किया था, अपील की थी, और उनके पाले में गेंद डाल दिया था कि इसे 9वीं अनुसूची में इसको आप दर्ज कर ले। तो 9वीं अनुसूची में दर्ज हो जाता अगर वो मामला, तो फिर उस पर कोर्ट के नियमन भी नहीं चलते हैं। तो वो लेकिन नरेंद्र मोदी ने 6 महीने तक लटकाए रखा, वो नहीं किया। जबकि नीतीश कुमार को ये उम्मीद थी कि वो सरकार में हो ही जाएगा, क्योंकि इसके पहले भी एक उदाहरण है तमिलनाडु का। जब जयललिता की सरकार ने आरक्षण को 69% किया था तमिलनाडु में, तो फिर उन्होंने उस समय की जो सरकार थी उस केंद्र की सरकार से साथ उन्होंने एक तालमेल बिठा के, और ठीक यही पोजीशन थी आज की जो आज नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की सरकार का है। तो उसमें लेकिन वो पारित कर दिया गया और तमिलनाडु का आरक्षण लागू हो गया। अब मोदी के सामने नीतीश का यह भी एक दबाव नया आ गया है कि साहब आप इसको 9वीं अनुसूची में शामिल कीजिए, क्योंकि अब आगे का बिहार विधानसभा चुनाव 25 का, और फिर आगे की कोई राजनीति जो स्टेट में खेली जाएगी वो सरकार गिराने की, केंद्र में गिर जाएगी तो नहीं गिरेगी तो भी जो है बीजेपी की भी यह गरज है। ऐसे में अब देखना यह है कि आरएसएस जो आरक्षण की विरोधी है, क्या बीजेपी जो आरक्षण की मूलतः विरोधी मानी जाती है, वो नीतीश के इस प्रस्ताव को या इस दबाव को मानती है कि नहीं। अगर नहीं मानेगी तो आप यकीन जानिए फिर आग का दरिया है और डूब के जाना है। डूब के जाना है, बिल्कुल बिल्कुल, ये आग का दरिया है और डूब के जाना है। किशोरी लाल शर्मा, आप जानते हैं अमेठी से सांसद चुने गए स्मृति ईरानी को हराया किशोरी लाल शर्मा ने, और उसके बाद स्मृति ईरानी जो है वो कहां है पता नहीं, हाँ लेकिन उनको
11 जुलाई तक बंगला खाली करने का आदेश उनकी उनके साथ साथ कईयों के हो गए हैं। और उनका इंटरव्यू इस कार्यक्रम के ठीक बाद आप देखेंगे इसी चैनल पे। किशोरीलाल शर्मा अमेठी से, लोग कहते थे कि इनके सामने यानी स्मृति ईरानी के सामने राहुल गांधी खड़े होंगे, लेकिन राहुल गांधी नहीं बल्कि किशोरीलाल शर्मा खड़े होते हैं और जीत कर आते हैं। और उसके बाद अमेठी की जीत का देश की सियासत पर क्या असर पड़ रहा है और क्या स्मृति ईरानी अब बाहर हो गई हैं, आउट हो गई हैं, बहुत सारे सवाल। और अमेठी में 5 साल तक और इससे पहले स्मृति ईरानी की राजनीति किसके इर्द गिर्द रहती थी, इन सब सवालों का जवाब और इसके अलावा देश की सियासत में और क्या कुछ होने जा रहा है, हमारी सहयोगी बुशरा खानम ने चर्चा की है किशोरीलाल शर्मा से। ठीक इसके बाद आप देखेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। प्रशांत टंडन जी, आपके पास आना चाहता हूं। प्रशांत जी, जरा आपसे भी समझूं, ये इश्क नहीं आसान इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है, ये कितना डूबेंगे और कितना जलेंगे, पार हो पाएंगे या नहीं, एनडीए में घमासान अभी से दिखाई दे रहा है। नवेंदु जी बिल्कुल बिहार को लेकर जो बातें कह रहे थे वो बातें, उसकी चर्चा अब दिल्ली के गलियारों में होने लगी है। और ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे कि नीतीश बाबू उस दिन से बिल्कुल चुप्पी साध गए हैं जिस दिन से हाईकोर्ट ने 75% आरक्षण पर रोक लगा दी है। नीतीश बाबू 2025 की लड़ाई कैसे लड़ेंगे, बीजेपी नीतीश बाबू के संग संग ये लड़ाई कैसे लड़ेगी, 2025 में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी जानी है, उससे पहले 4 राज्यों के चुनाव तो अभी होने हैं इसी साल, तो इन सब को देखा जाए। और इन सब से पहले अभी परसों की कहानी पे भी आए तो एनडीए और उसके अंदर का घमासान वो इस दिल्ली में दिखाई दे रहा है, जरा उसका विश्लेषण कीजिए प्रशांत टंडन जी। राजीव जी, एक बात मैं बहुत साफ पहले से कह दूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र की सरकार और शिवसेना और एनसीपी को तोड़ दिया और सरकार वहां बना दी बीजेपी ने, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ अब ये नहीं कर पाएंगे। वो जो ईडी के कारखाने से, वॉशिंग मशीन से ये पार्टियां टूट गई थी और महाराष्ट्र में एक सरकार बन गई थी, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ आपके साथ में ये कैशियर कर सकता हूँ कि इन दोनों पार्टियों के साथ नरेंद्र मोदी और अमित शाह वो नहीं कर पाएंगे जो उन्होंने एनसीपी और शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में कर लिया या और जगह करते रहे। ये दोनों बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू दोनों राजनीति में नरेंद्र मोदी से सीनियर हैं और अमित शाह से तो काफी सीनियर है। 1995 में चंद्रबाबू नायडू मुख्यमंत्री थे आंध्र प्रदेश के, अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश के, उस वक्त मोदी जी को कोई जानता नहीं था दिल्ली के कुछ पत्रकारों या बीजेपी आरएसएस के लोगों के अलावा। चंद्रबाबू नायडू बहुत डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर से आते हैं। मैं चंद्रबाबू नायडू पर क्यों फोकस कर रहा हूं, निगाहें चंद्रबाबू नायडू पर होनी चाहिए जी, वही तय करेंगे कि ये सरकार कितना चलेगी, कैसे चलेगी, कितनी मनमानी हो पाएगी नहीं हो पाएगी। तो पहले जरा हम समझ लें कि चंद्रबाबू नायडू की पॉलिटिकल कल्चर क्या, वो कल्चर लेकर दिल्ली में आ रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत यूथ कांग्रेस से की थी, जब नॉर्थ इंडिया पूरा इमरजेंसी के खिलाफ लड़ रहा था, चंद्रबाबू नायडू संजय गांधी के समर्थक थे, कम लोगों को मालूम होगा ये। तो अब उनकी पार्टी के जो हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी है, जैसे बीजेपी की एग्जीक्यूटिव है, नेशनल एग्जीक्यूटिव है, या कांग्रेस की कांग्रेस वर्किंग कमेटी है, चंद्रबाबू नायडू की जो कमेटी है उनकी पार्टी की, उसका नाम है पोलित ब्यूरो। तो बहुत डिफरेंट पॉलिटिकल कल्चर से वो आ रहे हैं। अब जरा चलते हैं कि आंध्र प्रदेश के लोकसभा के चुनाव में क्या हो रहा था। चंद्रबाबू नायडू जेल गए। जेल कैसे गए, वो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम का एक घोटाला सामने लाया गया, उसमें वो जेल गए। वो घोटाला कैसे आया, ईडी के जरिए आया। चंद्रबाबू नायडू से बेहतर ईडी को कोई नहीं जानता है। और वहां से वो सीआईडी को गया और वो जेल में गए।
तो संघर्ष को हाल फिलहाल उनके जो घाव हैं बहुत ताजे हैं ईडी के। तीसरी इंपॉर्टेंट बात कि नरेंद्र मोदी की जरा कैंपेन पे निगाह डाली है, जो आंध्र प्रदेश में उन्होंने कैंपेन किया पिछले 5 साल में जब सरकार चल रही थी, पिछले 10 साल में वाईएसआर कांग्रेस ने, जगन मोहन रेड्डी ने सारे विवादित बिलों पर लोकसभा में और राज्यसभा में समर्थन किया मोदी सरकार का। इलेक्शन तक नरेंद्र मोदी को यह नहीं मालूम था कि उनको किससे समर्थन लेना होगा 4 जून के बाद, तो वो बड़े खामोश थे। एक भी रैली में उन्होंने जगन मोहन रेड्डी पे आक्रमण नहीं किया। चंद्रबाबू नायडू ये सब जानते हैं। जिस जगन मोहन रेड्डी ने चंद्रबाबू नायडू को जेल भेजा, वो इस बात को जानते हैं कि मोदी साहब क्या कर रहे थे, कैसे ये बिल पास करवा रहे थे सारे राज्यसभा में और लोकसभा में। तो इसलिए और अभी तक आप देखिए, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने एक पब्लिक कमिटमेंट नहीं किया है कि हम स्पीकर के मामले में बीजेपी के साथ हैं, यह हमारी कोई सहमति बन गई है। 3 दिन बचे हैं स्पीकर के चुनाव में, 3-4 दिन, 26 को होना है इलेक्शन। तो चंद्रबाबू नायडू, बाकी नरेंद्र जी ने बता दिया कि उनको पैकेजेस, आपने भी कहा कि उनके पैकेजेस हैं, कैपिटल बनाना है, 60,000 करोड़ का तो उनका प्रॉमिस है। तो चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के पुराने खिलाड़ी हैं और इनको पानी पिला देंगे और ये भूल जाएं कि उनको ईडी का जोर लगा के आप पार्टी तोड़-फोड़ देंगे और 1 महीने 4 महीने 3 महीने के अंदर वो आप सत्ता में आ जाएंगे। इसीलिए वो बड़ा केयरफुली स्पीकर के मामले में चल रहे हैं। आज विधानसभा में स्पीकर बना रही उन्होंने अपना, चंद्रबाबू नायडू ने, क्या उनकी स्वीपिंग मेजोरिटी है। तो इस सरकार की स्थिरता चंद्रबाबू नायडू पर, जिसकी चर्चा आप कर रहे थे कि 65% का स्ट्राइक डाउन कर दिया हाईकोर्ट ने सीलिंग, सोशल जस्टिस के मुद्दे पर चुनाव हुआ है राजीव जी। इस चुनाव की एक सबसे बड़ी बात जो सामने आती है कि मंडल के विरोध में जो आरएसएस सोशल इंजीनियरिंग लेकर आई, जो रिप्रेजेंटेशन के नाम पर सोशल जस्टिस के लिए कुठाराघात था, उसको वो पंक्चर हो गया, वो पूरी पॉलिटिक्स पंक्चर हो गई और एक ऑर्गेनिक यानी स्वतः एक सोशल इंजीनियरिंग कायम हुई है। आप देखिए कि पिछले 30 साल में शायद पहली बार उत्तर प्रदेश में यादव और जाटव ने एक साथ वोट किया है, मराठा और मुस्लिम ने एक साथ वोट किया है, दलित और जाट ने एक साथ वोट किया है हरियाणा में। तो ये जो जनता ने सोशल इंजीनियरिंग की है, इससे बीजेपी नहीं लड़ पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब बहुत मुश्किल है। दूसरी चीज आप देखिए कि जिस सरकार 10-12 दिन हुए अभी सरकार को बने हुए, पुल बह जा रहे हैं, ट्रेन के एक्सीडेंट हो रहे हैं, कोई एग्जाम बच नहीं बच रहा जिसका कि पेपर लीक ना हो। अभी सीएसआर नेट का भी पर्चा लीक हो गया, 2 लाख प्रभावित हुए हैं, 24 लाख नीट में प्रभावित हुए हैं, 9 लाख नेट के उसमें प्रभावित हुए, पेपर लीक हुए, ये कैसे हो रहा है? नरेंद्र मोदी ने कोई रोड मैप ही नहीं रखा है एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी का। और पिछले पहले 5 साल का कार्यकाल इनका मनमोहन सिंह के इकोनॉमिक्स के स्पीड ओवर में चल गया। दूसरा कार्यकाल जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो अडानी की है, उसका फॉलोआउट हमको अब दिख रहा है जी, कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ही नहीं है। जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि आरएसएस के लोगों को बैठा दिया, तो इसलिए सरकार अपनी इमेज को जो है वो बरकरार नहीं रख पाएगी मोदी साहब के साथ। ये सबसे बड़ी और सबसे बड़ी क्राइसिस राजीव जी ये हो गई है कि जो हेडलाइन मैनेजमेंट होता था कि पुल वहां गिर गया, कुछ और कर दो,
राहुल गांधी के भाषण से कोई चीज निकाल के मीडिया उड़ाते, वो मीडिया अब खत्म हो चुका। उस मीडिया का सबसे बड़ा जो उनका उनके ऊपर बिजली गिरी उस मीडिया पे, पहले से तो था ही नफरती मीडिया का, लेकिन एग्जिट पोल जो 400 पार के उन्होंने किए और वो एग्जिट पोल में धाराशाही हो गए, वो इनके मीडिया का मतलब जिसको कहें कि लास्ट नेल इन द कॉफिन वो था। तो वो मीडिया हेडलाइन मैनेजमेंट नहीं कर सकता, तो तमाम सारी दिक्कतों के साथ मोदी सरकार ये चलेगी। लेकिन ये सरकार ये नहीं होगा कि 4 महीने 6 महीने में ये बीजेपी की सरकार हो जाएगी और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार देखते रह जाएंगे, इनके एमपी निकल जाएंगे, ये नहीं हो सकता। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बहुत कुछ होना बाकी है और इस राजनीति में उसके अंदर खाने क्या कुछ चल रहा है, इस पे हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रवण गर्ग साहब। गर्ग साहब, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में। और सीधा पहले मनोरमा जी आपके पास आना चाहता हूं। मनोरमा जी, कैसे आप देखती हैं, अब 24 तारीख से सदन की कार्यवाही शुरू हो रही है, संसद का विशेष सत्र शुरू हो रहा है 24 तारीख को, प्रोटेम स्पीकर तमाम सांसदों को शपथ दिलाएंगे, आगे की प्रक्रिया शुरू होगी, ये सब कुछ हम देखेंगे। लेकिन इसी देश की सियासत में एक उहापोह की स्थिति है और सबसे ज्यादा जो उहापोह है वो ये है कि आखिर ये सरकार चलेगी कितने दिनों तक। ये बात बीजेपी वाले भी पूछते हैं, ये बात इंडिया गठबंधन वाले लोग भी पूछते हैं और इन सब के बीच घमासान जारी है। अंदर खाने जो कुछ चल रहा है उस पर विश्लेषण जरूरी है और समझें उसके जरिए कि आखिर हो क्या रहा है, देश की सियासत किस दिशा में जा रही है, जरा आपका नजरिया। नवेंदु सर ने और प्रशांत टंडन सर ने जो भी बोला है बिल्कुल, मतलब जो अभी की हाल फिलहाल की घटनाएं हुई हैं वो जिस तरह से अनफोल्ड हो रही हैं, तो वो जो सहज और बहुत आसान जिसको समझ रहे थे मोदी या एनडीए की सरकार, वो उतना सहज नहीं लग रहा। ताजा मामला ये दो, अभी जैसे कि जो आरक्षण वाला मामला हुआ जो हाईकोर्ट पटना हाईकोर्ट ने जिसको खारिज कर दिया है, वो है स्पेशल पैकेज की बात है। इधर चंद्रा बाबू नायडू के साथ जो इक्वेशन है स्पीक उपाध्यक्ष के पद को लेकर के जो है, वो सारा चीज एक साथ जो आ रहा है, तो वो बता रहा है कि मुश्किलें हैं, इतना आसान नहीं है इन सारे चीजों को डील करना। और इन दोनों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अपने टेक पर, क्योंकि इनकी आगे की राजनीति उस पर निर्भर करती है। सबसे ज्यादा पहले बात हम नीतीश कुमार की ही कर लेते हैं। नीतीश कुमार को अभी दो दो जो मामले हैं, एक तो आर्थिक जो विशेष आर्थिक पैकेज की बात थी वो भी, और दूसरा अभी जो ये आरक्षण वाला मामला हुआ, और अभी बिहार से जो नीट का जो मामला है, आप देख रहे हैं केंद्र सरकार ने किस तरह से नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया, लेकिन नीट की परीक्षा की मांग होने के बावजूद भी वो रद्द नहीं कर रहे हैं जबकि इसकी मांग हो रही है। पहले सारा जो है वो तेजस्वी यादव की तरफ किया गया कि मतलब उनके संबंध है और उस पर आक्रमण भाजपा की तरफ से कितना ज्यादा उनके ऊपर हुआ, लेकिन तेजस्वी इस मामले में अब वो अपर हैंड में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि वो खोलेंगे भेद की कौन कौन किसके साथ उठा बैठा, वो फोटो तक सार्वजनिक खोलेंगे, अगर जांच एजेंसी इसको आगे नहीं ले जाती तो राजद इसका इस घोटाले का और जो इसके पीछे के शख्सियत है उनका किन नेताओं के संबंध है, ये सबको वो सार्वजनिक करने की बात कर रहे हैं तेजस्वी यादव खुद से। तो समझ में आ रहा है कि इस मामले में अपर हैंड में है आरजेडी और तेजस्वी यादव, वो उतने ही आक्रामक है, और साथ में वो इस मसले को भी समझ रहे हैं कि बिहार से कई सारे बिहार और झारखंड दोनों जगह से इसके तार जो है जुड़े हैं इस वाले में। तो नीट का एक मसला है जो कि बहुत बड़ा होने जा रहा है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। आप देख रहे हैं कि इस फौरी राहत के लिए सरकार ने एक कमेटी बना दी है, उसमें एम्स के जो है पूर्व वो उनको ला दिया है और हैदराबाद यूनिवर्सिटी और इसरो के जो है इन सबको ला दिया। तो कहीं ना कहीं जो हैदराबाद के जो रहे हैं वो कुलपति, वो हमेशा सरकार के साथ काम करते रहे, उनका पुराना रिकॉर्ड भी है, इस तरह की चीजें हैं। तो ये सारी चीजें, और यहाँ पर जो चंद्रा बाबू नायडू की जो राजनीति है उसमें एक ये तमाम बातें जैसे अभी टंडन सर ने कहा कि उनको गिरफ्तार किया गया था इसी उसमें, आज ही देखिए कि आज उन्होंने वाईएसआर वाले उस पे चलाया है, बुलडोजर चलाया है, डिमोलिश किया है, लेकिन उनका एक जो बड़ा सपोर्ट का हिस्सा है वो
बाहर का भी है, विदेश का भी है, उनकी राजधानी को लेकर के, या उनको अभी पिछले ही साल अमेरिका से जो है बिजनेस और उसका अवार्ड मिला था, बड़ा अवार्ड मिला था। और एक आंध्र प्रदेश ऐसा देश है, ऐसा राज्य है जिसके बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर है। एक टेक्सस को मिनी आंध्रा कहते हैं, इतने लोग आंध्र प्रदेश के वहां पर हैं कि इसको मिनी आंध्रा कहते हैं। बल्कि वहां पे हुंडी रखी गई थी कि मतलब अमरावती राजधानी बनने के लिए। तो एक एक बड़ा सपोर्ट जो है, एक तो बहुत बड़ी मजबूत स्थिति है उनकी। टोटल जो 175 सीट है विधानसभा में, उसमें सिर्फ 11 सीट जो है वो इसके पास है, YRCP के पास है, और 8 सीट भाजपा के पास है। बाकी इन्हीं दोनों का सीट है, जनसेना पार्टी जो है पवन कल्याण की, और इनकी 135 है। तो बहुत मजबूत स्थिति है उनकी अपनी अपनी अपने जगह पे, और ये सारी चीजें जो है उनको बहुत मजबूत बनाती है। ऐसे में वो समझौते उतने उस तरह से करके या उनके उस पे नहीं आएंगे। तो हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि स्पीकर और जो उपाध्यक्ष है, इन दोनों पदों पर किस तरह से बार्गेनिंग होती है। भाजपा भी अभी जो देखने में आ रहा है उसमें जिद में अड़ी हुई है कि हाँ हम अपना ही चलाएंगे और अपना ही, इसलिए उन्होंने अभी भट्टरी को जो प्रोटेम स्पीकर बनाया है वो सामने कर दिया। और JDU के साथ एक पक्ष है कि हरिवंश जी जो है वो पहले से राज्यसभा में है, तो एक उनका पहले से है। तो ये उपाध्यक्ष पद के लिए बार्गेनिंग है, उसमें भी भाजपा का है कि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों पद अपने पास ही रखना चाहती है। तो यहाँ पर चंद्रबाबू नायडू का भी दिखेगा कि वो किस तरह से बार्गेन कर पाते हैं, कितना दबाव डाल पाते हैं। अदरवाइज संख्या के हिसाब से देखा जाए तो 293 है जो 272 के मार्क से काफी आगे है। तो तत्कालीन इस तरह से कोई दिख नहीं रहा है कि मतलब कोई खतरा हो सरकार, जब तक कि कोई अनाउंस ना कर दे कि हम अपना सपोर्ट हटा रहे हैं इन दोनों में से, तब तक तो ऐसा कोई खतरा दिख नहीं रहा है। लेकिन ये स्पीकर का पोस्ट जो है वो किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है, प्लस उसके बाद से बिहार में किस तरह से ये आरक्षण वाला मसला जो नवी अनुसूची में डालने की मांग तेजस्वी यादव ने कर दी है, और जैसा कि सर ने भी बताया कि जो ये पूरा कैंपेन था सोशल जस्टिस के मसले पर, संविधान के मसले पर हुआ है, तो अगर यहाँ पर ये नहीं चलता है तो इसके अनुसार काम नहीं होता है, तो नीतीश कुमार को जो है वो उनके लिए बहुत माया मिली ना राम वाली स्थिति हो जाएगी। विधानसभा चुनाव उनके सामने है और उसमें जो है ये सारी चीज, ये दोनों चीज है जिसको लेकर के वो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार ने इसी के लिए जातिगत सर्वेक्षण करवाया था, उस सर्वेक्षण के आधार पर ही इसको आगे बढ़ाया था, ये प्रावधान आगे करे थे उन्होंने, तो ये वहां से सीधे खारिज हो जाएगा अगर इस पर आगे जो है। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा। स्थितियां उनके अनुकूल नहीं होती है, या तमिलनाडु की तरह जो है नवी अनुसूची में आकर के काम नहीं बनता है। तो ये दोनों जो है अगले दिनों में, आने वाले दिनों में किस तरह से अनफोल्ड हो रहा है ये साफ कर देगा कि क्या है बार्गेनिंग की स्थितियां। ये हालांकि जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में सर ने बिल्कुल साफ कहा था कि मतलब वो झुकने वाले लोगों में से नहीं है, वो उस तरह से नहीं मोल्ड हो सकते जैसे महाराष्ट्र में हुए हैं। तो एक बहुत रोचक स्थिति बन रही है और अच्छी बात है कि हम इस पर जो है देखेंगे, और लोकतंत्र जो है उसके लिए मतलब भारतीय लोकतंत्र का एक जो परिपक्व स्थिति होता है जिसमें कि हम एक कमजोर विपक्ष पिछले कुछ सालों में हमने देखा था, तो वो स्थितियां अभी नहीं है। कांग्रेस भी बहुत मजबूत है, राहुल गांधी जो है खुद वो नीट के मामले को लेकर के, हालांकि आरक्षण वाले मसले को लेकर के अभी बहुत ज्यादा मैंने उनका नहीं सुना है, जिस पर कांग्रेस का पूरा किस तरह का अप्रोच है, क्योंकि उन्होंने भी सोशल जस्टिस, जाति जनगणना, इन सब की बात खूब आगे बढ़ाई है और ये उनकी जीत का समर्थन का आधार भी बना है। तो अब देखते हैं कि कांग्रेस इस मसले पर कितना जो है घेरती है ये भी। हालांकि तेजस्वी यादव ने भी इस पर भी नवी अनुसूची में डालने की और इन सबको लेकर के बहुत स्पष्ट तरीके से अपनी लड़ाई स्पष्ट कर दी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मनोरमा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अभी देखना होगा आगे होता क्या है, यानी इस एपिसेंटर में दिल्ली में सियासत किस करवट, सियासत का जो ऊंट है वो किस करवट बैठता है, और इसीलिए सबकी निगाहें दिल्ली पर है। और खासकर अब तो तमाम सांसद दिल्ली आना शुरू कर चुके हैं, 24 तारीख से गहमा गहमी का माहौल तो रहेगा ही सदन के अंदर, लेकिन सदन के बाहर सड़कों पर और सदन के अंदर भी विपक्ष जो है काफी मजबूत दिखाई दे रहा है। 10 साल में हमने हमेशा कमजोर विपक्ष ही देखा। गर साहब आपके पास आना चाहता हूं, इस एक मजबूत विपक्ष जिसमें राहुल गांधी कह चुके हैं, अभी परसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे उसमें भी उन्होंने कहा था कि इस बार सबसे बड़ी चीज है कि विपक्ष कमजोर नहीं है,
और नरेंद्र मोदी का ध्यान सिर्फ और सिर्फ अभी इस वक्त स्पीकर पद पे है, लेकिन यहां से क्या इस राजनीति में कुछ चेंजेस हम देखेंगे? क्या यहां से नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उसमें कुछ परिवर्तन देखेंगे? अपने हिसाब से यह भी माना जा रहा है कि शायद बीजेपी का ही स्पीकर हो जाए, लेकिन बीजेपी के स्पीकर के बाद भी क्या एक परेशानी जो है वो एक तलवार लटकी हुई दिखाई देती है क्या? ये सब कुछ आपके नजरिए समझना चाहता हूं, क्या क्या कुछ दिखाई देता है 24 तारीख से जो दिल्ली में संसद सत्र की शुरुआत हो रही है उसके आगे की कहानी? देखिए, मुझे जो नजर आता है वो ये कि मोदी जी का जो पहला इरादा हो सकता है कि संसद का ये जो सत्र है ये पहला सत्र शांतिपूर्वक गुजर जाए, मतलब गुजर जाए, किसी भी तरह से गुजर जाए। उसमें वो भी मान के चलते होंगे कि हंगामा होगा और उनको निपटना है, चीजों के जवाब देना है, नीट को लेकर, नेट को लेकर, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम को लेकर बहुत सारी चीजें हैं जिन पर उनको जवाब देना है। पर वो जवाब उनको मालूम है कि धर्मेंद्र प्रधान को देना है, प्रधानमंत्री को कितना देना है, हस्तक्षेप करना है कि नहीं करना है, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। विपक्ष का जोर रहेगा कि प्रधानमंत्री जवाब दें, प्रधानमंत्री कुछ बोलें। हो सकता है प्रधानमंत्री कुछ बोलें, इतना दबाव पड़े कि वो कुछ बोलें। उनका बोलना भी फिर एक खबर बन जाएगा कि वो पहली बार कुछ बोले। देखिए, मैं जो दो तीन चीजें हैं उस पर थोड़ा सा मेरा जो दिमाग है मैं आपको बताना चाहता हूं। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत को मैं अभी कोई खतरा नहीं देखता हूं। विपक्ष बहुत मजबूत है और विपक्ष सरकार को हर मोहल हर मामले पे घेरेगा, पर मैं मानता हूं कि 240 का जो आंकड़ा है बीजेपी के पास वो या एनडीए के पास, वो एक तरह की बड़ी ताकत है जो मोदी जी को प्रोटेक्ट करती है। एक बात कही गई स्पीकर को लेकर, चंद्रा बाबू को लेकर, हम थोड़ा सा एज्यूम कर लें कि चंद्रा बाबू खराब से खराब स्थिति में ये कहें कि मैं समर्थन वापस ले रहा हूं, तो कितने लोग कम हो जाएंगे? 293 में से 16 लोग कम हो गए तो 277 फिर भी बचते हैं। जेडीयू ने अनकंडीशनल सपोर्ट दिया हुआ है स्पीकर के लिए, स्पीकर की पोस्ट के लिए, तो निश्चित रूप से जैसे राहुल गांधी ने अभी कहा भी था जो नीट को लेकर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने, कि मोदी जी का इस समय पूरा ध्यान अपने स्पीकर के अपॉइंटमेंट को लेकर है, वो किसी और चीज के बारे में सोचने में। ये कुछ फैक्ट्स हैं जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूं कि एक थोड़ा सा जो कई बार हम लोग या मैं कम से कम कोशिश करता हूं कि एक जो भाव है उसमें नहीं जाना चाहता हूं कि सब कुछ विपक्ष के पक्ष में हो जाएगा और ये सरकार गिर जाएगी या सरकार मोदी जी चले जाएंगे। संघ को लेकर भी मेरा जो नजरिया है वो बहुत साफ है कि संघ जो है सरकार को गिराना नहीं चाहता है, वो सरकार पर अपना नियंत्रण चाहता है, वो मोदी जी पर अपना कंट्रोल चाहता है, मोदी जी को हटाना नहीं चाहता है। वो अब अगर हटा दे तो सरकार में बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। मैं ये देख रहा हूं, जो समझ में आ रहा है मुझे, कि कुछ समय तक ये जो पूरा का पूरा मामला है ऐसे ही चलेगा। 10 सीटों पर उत्तर प्रदेश की, 5 सीटों पर बिहार की
और कुछ अन्य स्थानों पर उपचुनाव है 10 जुलाई को। ये विपक्ष के लिए बड़ा फर्स्ट टेस्ट केस होगा कि यूपी में इतनी जबरदस्त विक्ट्री, लोकसभा में बिहार में पहली बार विपक्ष को 10 सीटें मिली, 9 सीटें मिली, एक पप्पू यादव की भी गिन लें तो 10 हो जाती हैं जी। तो वो बड़ी विक्ट्री है कि पहले तो उनके पास 39 सीटें थी, अब 30 हो गई हैं बिहार में। और दूसरा जो ये है कि साल के आखिर में जो दो चुनाव हैं हरियाणा के और महाराष्ट्र के, उनमें इंडिया अलायंस अगर वो ही परफॉर्मेंस देता है जो लोकसभा चुनाव में प्रकट हुआ है, तो हमको ये मानकर चलना चाहिए कि अगले साल बिहार के जब चुनाव आएंगे तब तक बिहार में नीतीश कुमार की हुकूमत चली जाएगी। ये जो कोर्ट का फैसला आया है 65% वाला जो था उसको फिर से 50 कर दिया गया, इसका जो सबसे बड़ा असर पड़ने वाला है वो बिहार में पड़ने वाला है, जो सोशल जस्टिस की बात अभी कही गई पूरी की पूरी। निश्चित रूप से एक जो फर्क दिखने वाला है वो सरकार की बॉडी लैंग्वेज में दिख रहा है। मोदी जी जिस तरह से कमजोर दिख रहे हैं, उनकी भावभंगिमा में दिख रहे हैं, उनके पूरे के पूरे प्रेजेंटेशन में दिख रहे हैं, वो सरकार में रिफ्लेक्ट होगा। हमने देखा कि ये जो नीट वाला मामला है उसमें किस तरह से कमजोरी के साथ प्रकट आ रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान, या पूरी की पूरी सरकार बचाव की मुद्रा में है। अगर आज आपने नोटिस किया हो तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आक्रमण कर दिया है इसको लेकर, नीट की परीक्षा को लेकर। ये पहली बार हुआ है कि बीजेपी संघ के किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार पर हमला किया है नीट को लेकर। और देश में कई स्थानों पर एबीवीपी ने प्रदर्शन किया है। तो ये एक जिसको कहते हैं ना कि जो इस तरह का चेंज हमको पहले कभी नहीं दिखा, मतलब पिछले 10 सालों में इतने बड़े बड़ी चीजें हुई पर आपने कभी सुना नहीं होगा कि ये इस तरह से सरकार बचाव की मुद्रा में है, या सरकार के ही या किसी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन ने इस तरह से विरोध किया हो। मतलब छात्रों की कई प्रॉब्लम्स को लेकर पीछे व्यापम का ही मामला ले लें, व्यापम को लेकर एबीवीपी ने कभी कोई प्रदर्शन नहीं किया जी, मध्य प्रदेश में भी नहीं किया, या शिवराज सरकार को नहीं घेरा। आप सोचिए कि व्यापम तो बहुत बड़ा था, आज मोदी जी कमजोर हो गए हैं और संघ ने आक्रमण शुरू कर दिया है। अगर आप सुने शिवराज सिंह के बेटे का जो वीडियो वायरल हो रहा है जी, वो अगर सुने, ये अगर इन सारी चीजों को अगर आप मिलाएं एक साथ तो ये लग रहा है कि या तो ये पूरा ऑर्गेनाइज तरीके से हो रहा है और या अनऑर्गेनाइज्ड है और उसमें सरकार पर हमला हो रहा है। इन सब चीजों का परिणाम अगर यह होता है कि सरकार अपने एलाइज की बात सुनना शुरू कर दे, अपने फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन की बात सुनना शुरू कर दे, अपने मंत्रियों की बात सुनना शुरू कर दे और संघ के साथ कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश हो जाए। आपने देखा होगा कि संघ के बीजेपी के प्रेसिडेंटशिप को लेकर फिर से एक बार ये हुआ है कि जयप्रकाश नड्डा को एक्सटेंशन मिल रहा है जो कि इन चुनाव के आखिर तक होगा, मतलब महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव तक। ये बताता है कि बीजेपी में नए प्रेसिडेंट को लेकर सहमति नहीं है और जो नाम फ्लोट किए जा रहे हैं मोदी जी के ग्रुप के द्वारा वो संघ को मंजूर नहीं है। तो मैं ये मानता हूं राजीव जी कि काफी चीजें चल रही हैं और ये बढ़ेंगी आगे इसी तरह से। मैं मतलब कंक्लूजन ये करना चाहता हूं कि मैं अभी इस सरकार के लिए किसी तरह का खतरा देखता नहीं हूं।
सरकार को कमजोर देख रहा हूं, सरकार को डिफेंस पर देख रहा हूं, सरकार को बचाव की मुद्रा में देख रहा हूं, सरकार पर आक्रमण होते हुए देख रहा हूं, विपक्ष को मजबूत देख रहा हूं, राहुल गांधी के आक्रमण की पार्लियामेंट में प्रतीक्षा की जा रही है, प्रियंका के प्रवेश की प्रतीक्षा की जा रही है। पर अगर हम मोदी जी को जानते हैं तो मोदी जी की खूबी ही यह है कि वो संकटों से अपने आप को निकाल लेते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कॉशियसली कोई कमेंट अभी करना चाहता हूं। जी जी, लेकिन दो तीन बातें आप बहुत महत्वपूर्ण कह रहे थे। एक ये उपचुनाव पर हमको नजर रखनी होगी, उपचुनाव जितने हैं उन उपचुनावों पर नजर रखनी होगी, उसके बाद क्या कुछ होता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव, हालांकि इस बार चार राज्यों के चुनाव हैं, उसके साथ साथ दो राज्य और हैं, एक है झारखंड और दूसरा राज्य है जम्मू कश्मीर, वहां भी चुनाव होना है। तो ये चार राज्य हैं, इन चारों राज्यों के चुनाव और इसके तुरंत बाद फरवरी के अंदर अगले साल दिल्ली में भी चुनाव होना है, और इन पांच राज्यों के चुनाव के साथ साथ अगले साल 2025 में बिहार में चुनाव है दिसंबर महीने में। इन चुनावों के साथ बहुत कुछ हम बदलते हुए देखेंगे, लेकिन क्या कहीं कोई दबाव ऐसा आता है जो नरेंद्र मोदी की सरकार पर परेशानी का सबब बने, तो नरेंद्र मोदी यानी कि बीजेपी खुद अपना हाथ पीछे खींच लेगी? क्या बीजेपी खुद इस सरकार को गिराकर फिर से मिड टर्म चुनाव की तरफ जाएगी? ये भी एक सवाल है, थोड़ा आपके पास ही आना चाहता हूं एक बार इस सवाल के साथ गर साहब, फिर आगे बढ़ेंगे। अमलेंदु जी के पास आता हूं, एक छोटा सा इसका मैं आपका नजरिया इस पे समझना चाहता हूं, क्योंकि दो तीन बातें आप रख रहे थे उसी से एक सवाल मेरे अंदर पैदा होता है कि अगर ठीक है खतरा नहीं है जेडीयू की तरफ से, खतरा नहीं है टीडीपी की तरफ से, खतरा नहीं है मान लिया शिंदे साहब की तरफ से या अजीत पवार की तरफ से, लेकिन जैसे जम्मू कश्मीर में हुआ, अपना हाथ खींच लिए, महबूबा की सरकार गिर गई थी, उसके बाद वहां 370 की कहानी आई, वो सब हुआ, क्या ऐसी स्थिति भी हम देख सकते हैं? पॉलिटिकल एनालिसिस हम लोग करते हैं उस आधार पे मैं कह रहा हूं, मैं कोई भविष्यवाणी की बात नहीं कर रहा हूं। गर्ग साहब, कोई भी सांसद इस समय फिर से चुनाव में जाने के लिए तैयार नहीं है राजीव जी, और मोदी जी ने कभी ये इस तरह का वेंचर किया कि वो चुनाव में चले जाएं, तो उनकी 240 की जो सीटें 140 पर आ जाएंगी। तो इसलिए मोदी जी इस चुनाव के जरिए जो प्रकट हुआ है वो ये प्रकट हुआ है कि देश का जो सेंटिमेंट है वो इस सरकार के खिलाफ है। तो एक तो जो आपका सवाल है कि ये सरकार क्या किसी चुनाव में जा सकती है, ये चुनाव में जा सकती है केवल राजीव जी एक जो हाइपोथेटिकल जो मेरे दिमाग में है कि सरकार कुछ ऐसा एडवेंचर करे, मोदी जी जिसमें माहिर हैं करने में, कि मान लीजिए पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर पर को कब्जे में लेने की कोशिश करे, कोई ऐसा एडवेंचर करे जो एक राष्ट्रवाद की लहर को पैदा कर दे, तो बात संभव है। आपको और हमको एक चीज ध्यान रखना चाहिए राजीव जी, और मैं तो रखता ही हूं, लिखने में भी रखता हूं, बोलने में भी रखता हूं, कोई पुलवामा नहीं था, कोई बालाकोट नहीं था, विपक्ष पूरी तरह संगठित था, भारतीय जनता पार्टी के प्रति या मोदी जी के प्रति इतनी विरोध की लहर हम बता रहे थे, राहुल गांधी की दो दो यात्राएं हुई, देशव्यापी यात्राएं हुई, सब कुछ हुआ, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी को 241 सीटें मिल गई। मैं इसको बड़ा एक मिरेकल मानता हूं। मैंने आपसे जो चर्चा में कहा था कि इनको 220 सीटें मिलेंगी, और मैंने बात के टाइम में तो यह भी कहा था कि 200 भी मिल सकती हैं,
कुछ गणित ये भी थे कि 200 के नीचे भी जा सकते हैं, जैसे पराकाला प्रभाकर तो कई चीजें कह रहे थे। एक जो अगर आप एनालिसिस करें कि मतलब थोड़ा सा पता नहीं आपको कितना प्रिय लगेगा नहीं लगेगा, 327 सीटें हैं 12 राज्यों की, 327 अगर मैं गलत नहीं कर रहा हूं, मैं करेक्ट कर दूंगा सेकंड अपनी बातचीत में जी, उसमें से कांग्रेस को सिर्फ 26 सीटें मिली हैं और कम से कम 5-6 राज्यों में 0 मिला है, 3 राज्यों में 1-1 सीट मिली है, 1 राज्य में 3 मिली हैं। ये मैं आपको 12 राज्यों की लिस्ट बता रहा हूं। हम जब बात करते हैं तो थोड़ा एक यूफोरिक हमारा एटीट्यूड हो जाता है और हम जो अपोजिट जो पार्टी है या अपोज में है उसको अंडरमाइन करने लगते हैं, उसकी ताकत को। मेरा ऐसा मानना है, जो कॉन्ट्ररी टू जो माना जा रहा है कि भागवत साहब ने मोदी पर आक्रमण शुरू कर दिया है संघ ने, मेरा ऐसा मानना है कि भागवत साहब ने मोदी की सरकार को बचाने की तैयारी शुरू कर दी है और ऊपर से इंप्रेशन ये दे रहे हैं कि वो आक्रमण कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये सरकार गई तो केवल सरकार नहीं जाएगी, संघ भी खत्म हो जाएगा। तो जो ऊपर से दिख रहा है वो अंदर से थोड़ा अलग भी हो सकता है, मतलब मैं कह रहा हूं कि अलग है नहीं है। तो मैंने जब कहा आपसे कि ये जो उपचुनाव और महाराष्ट्र का चुनाव इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर संघ अपनी पूरी ताकत झोंक देगा वहां और हरियाणा में झोंक देगा इस साल और उपचुनाव में झोंक देगा, और अगर नतीजे 4 जून के विपरीत आते हैं इन राज्यों, क्योंकि सबसे बड़ा सेटबैक तो महाराष्ट्र में ही लगा और हरियाणा में लगा, लोकसभा में 10 में से 5 सीटें रह गई हरियाणा में, तो फिर हम लोगों की डिबेट में क्या होगा? हम लोग ये कहेंगे कि नरेंद्र मोदी की वापसी हो गई जी, नरेंद्र मोदी को हम फिर ताकतवर बताने लगेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता कि जो आज है वही भविष्य है, ये नहीं कहना चाहता। मैं वर्तमान को भविष्य नहीं मानता। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा उपचुनाव पहला टेस्ट अखिलेश के लिए 10 सीटों का बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश में, तेजस्वी के लिए 5 सीटों का बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 10 जुलाई को ही है जी। तो और महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव बहुत बड़ा टेस्ट बनने वाला है। आपने देखा ना हरियाणा में क्या हुआ, तीनों के तीनों जो पुराने घराने हैं देवीलाल भजनलाल और बंसीलाल, तीनों चले गए बीजेपी के साथ। बंसीलाल की जो बहू है किरण और किरण चौधरी की बेटी जो है श्रुति, वो भी चली गई है बीजेपी में, पूरी की पूरी ताकत हरियाणा में झोंक दी है बीजेपी ने, 3-3 मंत्री हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल में, 8 मंत्री हैं महाराष्ट्र के राजीव जी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, 4 मंत्री हैं बिहार के। तो आप सोचिए ना कितना, मतलब बिहार हरियाणा और महाराष्ट्र के 17 मंत्री हैं, मतलब 71 लोग लिए उसमें 17 लोग हैं, मतलब 25% इन राज्यों के हैं, 3 राज्यों के जहां चुनाव है।
मोदी जी का जो वर्किंग है या अमित शाह का जो वर्किंग है वो थोड़ा सा अगर हम उसको थोड़ा सा एक ध्यान में रखें और ये ध्यान में रखें कि पूरा सिस्टम उनके हाथों में है, अभी पूरी मतलब सारे रिसोर्सेस उनके हाथों में है, होम मिनिस्ट्री उनके हाथों में है, पूरी की पूरी चीजें हाथों में है, तो केजरीवाल समझौता नहीं करने वाले हैं हरियाणा में। आप सोचिए दिल्ली में और हरियाणा में केजरीवाल कांग्रेस के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं सीटों का जी, अब आप बताइए कि किसको फायदा होने वाला है। बीजेपी को फायदा होगा, केजरीवाल अनप्रेडिक्टेबल, तो ये मैं मतलब मैं ऐसा भी लग सकता है कि मैं जो बोल रहा हूं वो इररिलेवेंट है या प्रासंगिक नहीं है, पर नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल प्रासंगिक है और इस पक्ष को भी समझने की जरूरत है, जो आप कह रहे हैं उसको भी समझने की जरूरत है, इसीलिए आपके पास दोबारा आया था और ये जानने के लिए कि जब उपचुनाव हैं और आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं इसके बाद की परिस्थिति क्या बन सकती है, और उसका आप विश्लेषण कर रहे थे गर साहब और बहुत सही कह रहे हैं, उस तरफ भी इशारा जरूर होना चाहिए कि संघ परिवार क्या तैयारियां कर। बने रहिए, परिचर्चा अभी जारी है, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आगे सुनते हैं इस परिचर्चा रहा है बीजेपी की क्या तैयारियां हो रही हैं, कैसे बीजेपी ने अभी से तोड़फोड़ और बहुत ज्यादा फोकस इन राज्यों पर कर रखा है जिन राज्यों में चुनाव है आने वाले समय में, और पिछले 10 साल से इन चीजों को हम देख रहे हैं, और जो इन बातों को पहले से आइडेंटिफाई करके रखता है वही शायद आगे बढ़ भी सकता है। एक बहुत मजबूत बात आप ये भी बता रहे हैं कि इतनी मजबूती के साथ विपक्ष खड़ा था उसके बाद भी 240 सीटें बीजेपी जीत के आती है। अब वहां पर ठीक है ईवीएम और बाकी चीजें उन चीजों को थोड़ी देर के लिए किनारे रख दें, लेकिन उसके बाद भी परिस्थिति तो यह बनती है कि हां 240 सीटें आज की तारीख में हैं बीजेपी के पास और 293 सीटों के साथ बीजेपी सत्ता पर, एनडीए सत्ता पर काबिज है। तो ये जो सच्चाई है इसको हम छुपा भी नहीं सकते और इसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, हमको इस सच्चाई के साथ इस विश्लेषण को आगे बढ़ाना होगा, हमको उस ताकत को भी देखना होगा। और जैसे शुरुआत में ही मैं कह रहा था कि यह भी तय है कि नरेंद्र मोदी अपने हिसाब से स्पीकर नियुक्त कर लें, बीजेपी के स्पीकर को ले आए, यह भी तय है क्योंकि अभी तक वही हुआ, चाहे वो मंत्री पद की बात हो चाहे एनएसए की बात हो, हर चीज नरेंद्र मोदी ने अपने हिसाब से अभी तक किया है। पिछले 10-12 दिनों में हम देख रहे हैं ट्रेंड जो है वो यही कह रहा है कि नरेंद्र मोदी 2014 में जो थे, नरेंद्र मोदी 2019 में जो थे, वही नरेंद्र मोदी 2024 में दिखाई देते हैं, ये ट्रेंड ये कह रहा है। लेकिन इस ट्रेंड के साथ साथ जो एक कमी है वो कमी ये है कि 2014 में नरेंद्र मोदी की पार्टी को 282 सीटें थी, 2019 में नरेंद्र मोदी की पार्टी को 303 सीटें थी, लेकिन 2024 में नरेंद्र मोदी की पार्टी को 240 सीटें हैं, ये फर्क है। और इस फर्क के साथ उस विश्लेषण को थोड़ा आगे बढ़ाने की हम कोशिश करते हैं और चर्चा लगातार हम यही कर रहे हैं कि आगे क्या दिखाई देता है। जरा अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहता हूं, अमलेंदु जी तमाम हमारे वरिष्ठ साथियों की बात आप सुन रहे थे, आपसे समझूं जब दिल्ली की बात होगी, अभी हम चर्चा खूब करेंगे, दिल्ली की चर्चा कर भी रहे हैं लेकिन सोमवार से और चर्चा करेंगे, और वैसे में जो मूल मुद्दे हैं उन मुद्दों पे, क्योंकि राहुल गांधी की बात हो चाहे अखिलेश यादव की बात हो, ममता बनर्जी या अभिषेक बनर्जी की बात हो, ये सब चाहे उधर तेजस्वी यादव यूनाइट दिख रहे हैं, और पानी वाले मसले पे सौरभ भारद्वाज ने खुद कहा, कांग्रेस से कहा कि थोड़ा सा, क्योंकि कांग्रेस विरोध कर रही थी और आज कांग्रेस की टीम जाकर के आतिशी के उस पे, जहां आतिशी 3 दिन से अनशन पर बैठी हुई हैं, वहां गई भी थी, कांग्रेस ही नहीं बल्कि वाम दलों के नेता भी गए थे समर्थन में, यानी एक समर्थन दिखाई दे रहा है दिल्ली में। इसके साथ मतलब ये बात यहां इसलिए जोड़ रहा हूं कि इसके साथ ये दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मजबूती के साथ जुड़ा हुआ है, और यहीं से विपक्ष के लिए एक चिंगारी ही सही, एक किरण ही सही, लेकिन वो दिखाई देती है कि हां यहां हम उस मजबूती के दम पे इस सरकार को गिरा भले पाए ना पाए,
लेकिन इस सरकार को आसानी से अपने हिसाब से काम करने नहीं देंगे। एक और भी महत्वपूर्ण बात जोड़ के आपके पास आना चाहता हूं, अब नेता प्रतिपक्ष होगा, चाहे राहुल गांधी हो, एबीसी कोई भी हो, नेता प्रतिपक्ष होगा और नेता प्रतिपक्ष हर उन नियुक्तियों में होगा जिन नियुक्तियों के दम पे नरेंद्र मोदी अभी तक कुछ जांच एजेंसियों में और बहुत सारी चीजों पे अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करते रहे, लेकिन वहां अब नेता प्रतिपक्ष होगा। इस पर चर्चा प्रशांत टंडन जी कई बार कर चुके हैं। इन सबको जरा सामने रख करके विश्लेषण आगे बढ़ाते हैं, क्या कुछ देखा जाए, आपका नजरिया। देखिए राजू जी, ये बात बिल्कुल सही है कि मोदी, जैसा आपने कहा कि मोदी जी जो 2014 में थे, जो 2019 में थे, तो वही 2024 में दिखाई पड़ रहे हैं। अभी तक की उनकी जो 10-12 दिन की जो कार्यप्रणाली है उसको देखते हैं, लेकिन वो दिखाई पड़ रहे हैं क्या वास्तव में वो है, वही सवाल ये है राजू जी। दिखाई पड़ रहा एक अलग मसला है और वो होना एक अलग मसला है। आप देखिए किस तरीके से बैकफुट पर इस समय सरकार आती हुई नजर दिखती है, खासतौर से नीच के मसले पे। केंद्रीय मंत्री जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जब पहली बार मसला आया नीट का सामने, उन्होंने खुलकर के कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और अब उनको कहना पड़ रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे, ये मेरी गलती थी कि मैंने कह दिया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ। और ये कब कहते हैं धर्मेंद्र प्रधान ये कब गलती स्वीकारते हैं, जब राहुल गांधी कहते हैं कि हम सदनली इस मसले को उठाएंगे। तो यानी कि दबाव तो सरकार पर राजीव जी साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है निश्चित तौर पे, और सरकार दबाव में है। ऐसा नहीं है कि सरकार दबाव में नहीं है। अब जहां तक सवाल ये है कि वो अपने सहयोगियों के साथ किस तरीके का फ्लोर मैनेजमेंट करती है या दूसरे लोगों के साथ क्या करती है, आप देखिए कि नीट के मसले पर राजीव जी अभी तक TDP या JDU का कोई वक्तव्य नहीं आया है, ना सरकार के पक्ष में ना सरकार के विरोध में। आखिर क्या मसला है जब इतना बड़ा चल रहा है और बिहार उसका एक सेंटर एक तरीके से बना हुआ है, ऐसे में JDU नीच के मसले पे या TDP नीच के मसले पे खामोश क्यों है? इसका मतलब कि इस मसले पे ये दोनों दल बीजेपी के बचाव में सदन के अंदर आपको दिखाई नहीं पड़ेंगे, मैं ऐसा समझता हूं। बाकी कल को दिखाई दे जाए तो अलग का मसला हो सकता है, कल को दिखाई दे जाए या बात आउट कर जाए कुछ भी हो जाएगा, ये मसला होता है। तो ऐसे बहुत से मसले होंगे जिसपे इन दोनों दलों के सामने दिक्कतें होंगी। दूसरा ये सवाल कि मोदी जी जो है कि इनके सहारे सरकार चलाएंगे और क्या इनके साथ करेंगे क्या नहीं करेंगे, मोदी जी सब कुछ, अगर देखिए मोदी जी अगर वही है 2014-2019 में थे, तो 2024 में फिर वो TDP को भी तोड़ेंगे और JDU को भी तोड़ेंगे अगर वो वही है। और अगर नहीं है अगर वो, तो समझ लीजिए मोदी जी फिर समाप्त हो चुके, फिर मोदी जी कुछ है ही नहीं, तो फिर संघ भी जो मोदी जी को बदलेगा अगर मोदी जी वो नहीं है। तो मोदी जी है क्या असल में? तो मोदी जी जो है तो मोदी जी वही तो होने चाहिए फिर मोदी जी, अगर वो मोदी जी वो नहीं है जो 2019 तक थे, तो 2024 में इन मोदी जी का काम क्या है? तो कुल मिला के संकट राजीव जी मोदी जी के सामने है कि वो 2014-2019 वाले हैं कि 2024 में नहीं बोले जा रहे, तो ये वो सारी चीजें करेंगे। अब जहां तक सवाल ये राजीव जी के विधानसभा चुनाव में क्या होगा या उपचुनाव में क्या होगा, उपचुनाव को मैं नहीं मानता कि कोई पैमाना होगा विपक्ष के लिए या बीजेपी के लिए, क्योंकि उपचुनाव जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लड़ती और कराती है, हम लोगों ने देखा है कि रामपुर का उपचुनाव बीजेपी ने किस तरीके से जीता और आजमगढ़ का चुनाव था वो बीजेपी ने किस तरीके से जीता था। इन उपचुनाव में भी चूंकि यूपी में उसकी सरकार है, बीजेपी की सारे काम वो वही करेंगे जो उन्होंने पिछली बार किए थे, तो उसके बावजूद अगर जनता इंडिया गठबंधन को जिता करके ले आती है तो सो फार सो गुड, और नहीं लाती है तो बीजेपी वहां अपना करेगी। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी तो बीजेपी की सरकार थी वहां पे उत्तर प्रदेश में, लोकसभा चुनाव में भी तो थी राजीव जी, बिल्कुल थी। तो क्या वो सारे काम नहीं किए गए? क्या वो सारे काम नहीं किए गए इस चुनाव में? सारे काम हुए, हम लोगों ने देखा है किस तरीके से हुआ। बोलेंगे हम लोगों ने लगातार जो सूचनाएं दी है, कहां का पुलिस डंडे चला रही है, कहां का मशीनें खराब हो रही है, क्या क्या हो रहा है, कहां का पुलिस जो है वो आई कार्ड चेक कर रही है, जबकि पुलिस का काम नहीं है आई कार्ड चेक करना, वो काम है जब आप जाएंगे बूथ के अंदर तब आपका चेक होगा, नहीं वो बाहर ही चेक किया जा रहा है, बाहर ही भगाया जा रहा है महिलाओं को, जो पुलिस जो खींच रही है सड़कों पर गिरा गिरा के 80-80 साल के बूढ़ों को पुलिस खींच रही है, ये सब देखा हमने चुनाव में। तो इससे ज्यादा होगा राज्य के उपचुनाव में, चूंकि उपचुनाव जो है वो प्रतिष्ठा का प्रश्न बन जाएगा बीजेपी के लिए, और जो विधानसभा चुनाव में था ये लोकसभा चुनाव में था, तो यहां तो थोड़ा बहुत दिख ही रहा था कि योगी और मोदी के बीच में कुछ संबंध ठीक नहीं है, उसका शासन मिला कुछ फायदा मिला हो, ये जो चर्चाएं थी, लेकिन उपचुनाव में ये मोदी की प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा, योगी की भी प्रतिष्ठा का प्रश्न होगा। तो उपचुनाव में ऐसा नहीं होगा कि साहब योगी जी को खिलाफत कर दें और मोदी जी का उनकी कुछ नुकसान हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो ये चूंकि चुनाव योगी जी का होगा, तो योगी जी को अपने को प्रूव करना होगा, चूंकि उनका संकट इस समय आया हुआ है, मोदी पक्ष कह रहा है कि चुनाव में जो हार हुई है वो योगी जी की वजह से हुई,
तो ये होगा। असली संकट जो राजीव जी आएगा वो आएगा महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव के बाद, और अभी तक की जो परिस्थितियां हैं उसमें अब हरियाणा में और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी मुझको लगता है कि बहुत ज्यादा कमजोर है, कोई परिस्थितियां ऐसी नहीं है जो कुछ कर ले भाई, कोई मिरेकल हो जाए विधानसभा चुनाव में एकदम से परिस्थितियां बदल जाए और बीजेपी वहां क्लीन स्वीप करके चली जाए तो दूसरी बात हो सकती है। लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद भी राजीव जी महाराष्ट्र हरियाणा में बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई, तो आज भी परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वो 2019 से अच्छी परिस्थितियां जो है वो 2024 में महाराष्ट्र हरियाणा में हो गई है, परिस्थितियां खराब है। किसी को तोड़ के लाना कहां से किसको ले आया ये तो चलता रहता है, बीजेपी सबको लेकर के आती है, बहुत से लोगों को लेकर के आती है, बहुत से लोग कांग्रेस से भी आते हैं, तो ये सब चलता रहेगा। लेकिन असली संकट जो होगा जो मुझे लगता है वो इन दो राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद होगा, और उसके बाद देखना होगा कि बीजेपी की अंदरूनी राजनीति क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, चलिए बिल्कुल, ये सब इम्पोर्टेंट पहलू है जिस पे चर्चा जरूरी है। जरा प्रशांत टंडन जी आपके पास आना चाहता हूं, और क्या क्या कुछ देखते हैं आप, और सबसे बड़ी चीज कि अब यहां से जो सीबीआई आईडी ईडी और ऐसी जांच एजेंसियां और ऐसे बहुत सारे जो पद हैं इन पदों पे अब एक कहीं ना कहीं नेता प्रतिपक्ष का हाथ भी होगा, उसके अलावा बहुत सारी चीजें बहुत सारे फैसले लेने की बात है, एक तारीख से अब आईपीसी के बहुत सारे जो की धाराएं वो बदल रही हैं वो सब भी है, इन सबको रखा जाए सामने क्या कुछ दिखाई देता है आपको प्रशांत जी, आने वाले चुनाव पर भी अगर नजरिया डालना चाहते हैं आप, थोड़ा अपनी बात रखना चाहते हैं उसको भी रखिए, और क्या यहां से एक अलग सियासत दिखाई देती है आपको? देखिए दो तीन बातें राजीव जी कहता हूँ बिल्कुल बुलेट पॉइंट्स में, क्योंकि समय भी कम है जी, और अभी हम लोगों को गर्ग साहब को भी सुनना है एक बार और। जी जी बिल्कुल, देखिए जो बीजेपी ने चमत्कार किया है इस इलेक्शन में उस पर जरा एक बात मैं कहूँ। एक बार मैं ऐसे एक किस्सा जो बड़ा प्रचलित है कि गैरी सोबर्स ने एक बार बिशन सिंह बेदी से कहा कि मुझे सुनील गावस्कर और डेनिस लिली दे दो तो मैं दुनिया की किसी भी टीम को हरा दूंगा। तो बिशन सिंह बेदी ने जवाब दिया कि मुझे पाकिस्तान के एम्पायर दे दो मैं दुनिया की किसी भी टीम को हरा दूंगा। तो चुनाव जो हुए हैं वो लेवल प्ले फील्ड पे नहीं हुए हैं। जिसने ओलंपिक में स्विमिंग में रिकॉर्ड बनाया है राजीव जी उसके आप हाथ पैर बांध दीजिए मैं उसको हरा दूंगा। जी वो 25 मीटर भी नहीं दौड़ आ पाएगा जब मैं स्विमिंग पूल पूरा कर लूंगा। तो ये चुनाव कांग्रेस का अकाउंट सील है, इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष नहीं है, मीडिया एक तरफा है, बुरी तरीके से एक तरफा है, बल्कि दंगाई है, मीडिया का एक बड़ा हिस्सा नफरत फैला रहा है समाज में, पोलराइज कर रहा है, ब्यूरोक्रेट्स एक तरफा है, ईवीएम की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ राजीव जी, जो विजिबल है जो चीजें मैं उसकी बात कर रहा हूँ, मैं मुंबई नॉर्थ वेस्ट की सीट की बात भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो जो विजिबल चीजें हैं कांग्रेस पार्टी का अकाउंट सील कर देते हैं, मुख्यमंत्री जेलों में है, इस पे अगर आप चुनाव कराएंगे और फिर कहेंगे कि बीजेपी तो ये करेगी ही, आपको तैयारी करनी है, तो ये थोड़ा सा दिक्कत वाली बात होगी। तो एक बात, दूसरी बात क्या है कि देखिए मोदी जी बायोलॉजिकल हैं और उनका ब्रांड नीचे जा चुका है और वो इरिवर्सिबल तरीके से नीचे जा चुका है। बंगाल का मैं एग्जांपल दूं, बंगाल में मोदी जी ने कोई 25 रैलियां की हैं, 27 लोकसभा सीटों को उन्होंने कवर किया, उसमें 20 हार गए। अयोध्या एक बहुत बड़ी क्राइसिस है आरएसएस और बीजेपी दोनों के सामने कि आप हिंदू धर्म को मोनोलिथिक धर्म बना रहे थे, देश की जनता ने कहा कि हिंदू धर्म में वेटिकन नहीं होगा अयोध्या, हमारा ये धर्म अलग है और आरएसएस की ठेकेदारी नहीं है इसमें। ये बहुत बड़ी बात देश की जनता ने संदेश दिया है और ये आरएसएस के सामने क्राइसिस है। अगले साल आरएसएस
2025 में जो है वो 100 साल में प्रवेश करेगी, आरएसएस के सामने एक बड़ी क्राइसिस है कि क्या वो बगैर नफरत के, बगैर ब्राह्मणवादी नीतियों के हिंदुत्व का मॉडल चला सकते हैं, इंक्लूसिव पॉलिटिक्स के साथ चला सकते हैं। ये आरएसएस को इस चैलेंज को मीट करना होगा। क्या बिना चर्च तोड़े, बिना मस्जिदों के सामने हंगामा किए, बिना लिंचिंग किए, बिना दंगे फसाद फैलाए, क्या आप हिंदुत्व की दुकान चला सकते हैं? ये क्राइसिस आरएसएस के सामने है। और मैं बहुत लंबे समय से बात राजीव जी चर्चा कर रहा हूं, ये शायद उसके लिए मंच नहीं है, कोई सेमिनार नहीं है ये। लेकिन देखिए, कांग्रेस 138-139 साल की पार्टी कैसे हो गई? मध्यमार्गी पार्टी थी। कितनी तेजी से राहुल गांधी ने उसकी जो वैचारिक जमीन थी उसको वापस लाए, और आप देखिए कि वो रिजल्ट में रिफ्लेक्ट हुआ। लंबे समय तक राजनीति करने और करना अगर किसी को है तो उसको मध्यमार्गी होना पड़ता है, उसको समझौतावादी होना पड़ता है। यूरोप में देख लीजिए, यूरोप में अभी आजकल राइट विंग उभार पर है, एंड ऑफ द डे आप देखिएगा कि वहां पे मध्यमार्गी ही रास्ता जो है वो अपनाया जाएगा। तो ये एक दुनिया की राजनीति, भारत की राजनीति में एक दिक्कत है कि आपको एक्सट्रीम पोजीशन लेके आप नहीं चल सकते। दूसरा, मोदी जी के सामने एक और क्राइसिस है। देखिए, आइडियाज की कमी है दोनों, मोदी जी के सामने भी और आरएसएस और बीजेपी के सामने भी नए आइडियाज की क्राइसिस है। अभी तक आप 2047 बता रहे थे, 1000 साल का एजेंडा बता रहे थे, अभी तक सरकार की तरफ से कोई नीतिगत ऐसी घोषणा नहीं हुई है कि जो लगे कि अरे वाह, ये छुपा रखा था। तो जब थर्ड टर्म में आप जाते हैं, हम लोगों ने भी राजीव जी कई बार नौकरियां बदली हैं, किसी चैनल में संपादक हो गए, तो 3 दिन के अंदर एक नया कंटेंट प्लान, एक नया ब्रांड इमेज, नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी तुरंत लॉन्च करते। मोदी जी के पास नया आइडिया नहीं। अभी गर्ग साहब बता रहे थे कि वो नड्डा जी को कंटिन्यू भी करेंगे। जो मिनिस्ट्रीज को उन्होंने छेड़ा नहीं, जो बिग फोर मिनिस्टर्स हैं, मैं इसको उनकी ताकत नहीं मानता हूं, मैं उनको मानता हूं कि ये डर गए बोल्ड स्टेप लेने में। और कम से कम निर्मला सीतारमण के मामले में तो लोगों ने उनकी नीतियों को रिजेक्ट किया है चुनाव में, आपको 303 से 239 पे ले आए हैं, उसको आप बदल नहीं पाए। इसका मतलब है कि कहीं आपके पास टैलेंट की कमी है एक, और दूसरा कि आप बोल्ड स्टेप नहीं ले पा रहे हैं, चौंकाने वाले स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। तो ये मोदी साहब की ये क्राइसिस अभी दिख रही है मुझे। और एक आखिरी बात, देखिए मैं पहले भी कहा था, अभी भी कहूंगा, कह रहा हूं, चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, ये नहीं हो पाएगा कि ईडी सीबीआई के जरिए कोई हेमंत बिस्वा शर्मा गेस्ट हाउस वहां बुक कर देंगे और टीडीपी और जेडीयू के एमपी वहां चले जाएंगे और ये हो जाएगा जैसा कि महाराष्ट्र में हुआ। एक फोन किसी एक का जाएगा और कोऑर्डिनेटेड होगा, वो सरकार की स्थिरता पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। ये अब नहीं हो सकता, वहां से चीजें बदल गई हैं। राजीव जी, जी जी बिल्कुल, बहुत चीजें बदल गई हैं, ये दिखाई दे रही हैं साफ साफ। अभी तो 10-12 दिन की बात है, आने वाले समय में देखते हैं और कितना क्या कुछ होता है। जल्दी से नवेंदु जी, बिहार में क्या कुछ दिखाई देता है? जो अभी बात कह रहे थे प्रशांत जी कि अब वो हिमंता बिस्व शर्मा वहां एक रेस्ट हाउस या होटल बुक करा लें और इधर से महाराष्ट्र के सारे जो हैं वो निकल लें, वहां चले जाएं, आंध्र प्रदेश के या और जगहों के, बिहार के, क्या ऐसी स्थिति दिखाई देती है बिहार में? 12 सीटें नीतीश बाबू के पास, 12 सांसद हैं नीतीश बाबू के सांसद, आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति आ सकती है? नीतीश बाबू की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने अनकंडीशनल
सपोर्ट कर दिया है, दे दिया है स्पीकर पद के लिए, इसलिए क्या कारण हो सकता है नीतीश बाबू के लिए? शुक्रिया राजीव जी, ये सवाल है दिलचस्प। और देखिए, बिहार में नीतीश कुमार के बारे में जो एक बार आप ही के साथ चर्चा हुई थी शो में कि वो पतंग को उड़ाते हैं बड़ी खुले आकाश में, और फिर जब उनको लगता है कि पतंग जो है अब काटना चाहिए तभी वो काटते हैं, नहीं तो तब तक सब कुछ जो है सलामत रहता है। अभी देखिए, नीतीश कुमार की पोजिशनिंग को गौर करें अगर हम लोग, तो चीजें बिल्कुल साफ समझ में आएगी कि नीतीश कितना सोच रहे हैं, क्या आशंकित हैं, नहीं आशंकित हैं, और कितना किस हद तक वो बीजेपी को या नरेंद्र मोदी को सहयोग देने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। तो अभी देखिए, बिल्कुल खुली छूट दे रखी है नीतीश कुमार ने। नीतीश कुमार के बारे में बिल्कुल ये साफ कर लेना चाहिए दिलो दिमाग कि नीतीश कुमार अभी कुछ भी नहीं करने जा रहे नरेंद्र मोदी के विरुद्ध। अभी वो बिल्कुल एनडीए में रहेंगे, नरेंद्र मोदी को पूरा सपोर्ट देंगे। आपने देखा कि वो पांव भी छुआ उन्होंने और फिर हाथ भी देखा उन्होंने नालंदा में, तो वो एक केमिस्ट्री भी डेवलप कर रहे हैं। और उनका एक तरफ वो केमिस्ट्री है, दूसरी तरफ देखिए कि लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव के मामले में उनकी पार्टी के जो प्रमुख नेता है केसी त्यागी ने तो साफ तौर पर कह दिया, नीतीश का बयान नहीं आया है अभी, हालांकि केसी त्यागी ने साफ तौर पर कह दिया कि जो बड़ी पार्टी है जी, शायद लाइट चली गई है नविंदु जी के यहाँ, लेकिन इम्पोर्टेंट बात यहाँ कह रहे थे, जरा वो आते हैं दोबारा उनके पास, हम आते हैं जल्दी से मनोरमा जी के पास आना चाहता हूँ। मनोरमा जी, नीतीश जी की राजनीति की बात हो रही है, जरा इसलिए समझना जरूरी है कि चंद्रबाबू नायडू के बारे में बात बहुत हो गई, प्रशांत टंडन जी भी बात बता ही रहे थे, लेकिन नीतीश कुमार की राजनीति को, क्योंकि कई बार वो पलटते रहे हैं उस हिसाब से भी, कैसे देखा जाए इस चुनाव के बाद और खासकर इस सरकार में, क्योंकि 16 सीटें जाने के बाद 277 सीटें बचती हैं और नीतीश बाबू का बाहर निकलेंगे तभी कुछ हो सकता है अगर सरकार में कोई संकट की बात आती है तो, यानी इन दोनों का निकलना जरूरी होगा, तभी होगा। लेकिन क्या यहां पर नीतीश कुमार जो पिछले दिनों भाषण देते हुए नालंदा में दिखाई सुनाई पड़े, जो हाथ देखते हुए वो दिखाई दिए, उससे पहले हम संसद के सेंट्रल हॉल में देखे कि वो पैर छूने की कोशिश करते हुए नजर आए, क्या सब कुछ सामान्य दिखाई देता है? जी, उस दिन उस भाषण, बल्कि जब नवेंदु सर बोल रहे थे तभी भी और जब टंडन सर बोल रहे थे तभी भी, नीतीश कुमार की ये बात मुझे हिंदुत्व के संदर्भ में ही, मतलब और उनकी राजनीति, इन दोनों के संदर्भ में वो भाषण बहुत गौर से सुनने लायक है और मैंने उसको सुना भी, और बिल्कुल मैं फिर मतलब समझ में आ रहा था कि क्या कहे। और उस पूरे टाइम पे आप नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखते, नीतीश कुमार हालांकि उनका हाथ देख रहे थे लेकिन जो भाषण में कहा, उस भाषण में उन्होंने बताया कि इस विश्वविद्यालय की संकल्पना एपीजे अब्दुल कलाम ने की थी, पहले विजिटर भी वो थे और मेरे अनुरोध पर संसद में बिल पारित हुआ, तब प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे और उन्होंने ये बात बार बार ये भी कही कि आज इस मौके पर आदरणीय प्रधानमंत्री इसका उद्घाटन करें, लेकिन सारा बात जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे बताना जरूरी है, जिस तरह से हुआ है यानी कि जिसने जो किया है उसके बारे में बताना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने कहा 2012 में से ये कहानी उन्होंने आगे बढ़ाई थी, आगे बढ़ाई और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जब नष्ट हुआ था नालंदा उसको लेकर के उन्होंने सिर्फ जिक्र किया है, उन्होंने उस वाले खिलजी वाले जो एक जो नष्ट करने वाला जो है उस चीज पर उन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन उसके आगे उन्होंने कहा कि ये नालंदा 5 धर्मों की भूमि है, उन्होंने नानक के आने का एक सरोवर का उल्लेख किया जो उनकी उसमें बना हुआ है उसको, और फिर उस सरोवर को बहुत बढ़िया बना दिया गया ये भी कहा, और उन्होंने कहा कि हजरत मखदूम साहब जो है उनको यहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो ये हजरत मखदूम साहब की भी भूमि है, तो मतलब वो सुने जाने लायक है और उसके अंदर कुछ सूत्र पकड़ने का है, वो सूत्र यही है कि ठीक है वो अभी जो रणनीति इनका लगा हो इनके साथ आ गए हो, लेकिन इनकी राजनीति जो है वो अलग है, ये हिंदू मुसलमान वाली राजनीति, और इन्हीं के पार्टी के एक नेता ने हालांकि उसके पहले ये बयान दिया था कि मतलब मैं मुसलमानों का, हम लोग मुसलमानों का काम नहीं करेंगे, आप आइए बैठिए चाय पीजिए, देवेश ठाकुर का जो था ये,
तो इस पर भी अभी नीतीश कुमार ने कुछ कहा नहीं है, लेकिन ये जो जेडीयू की राजनीति है उसे बिल्कुल उलट था। उस दिन हमने बात भी किया था कि ये जो राजनीति है कभी, क्योंकि नीतीश कुमार ने कभी भाजपा के साथ सरकार कई दफा बनाई उन्होंने, लेकिन हिंदू मुस्लिम की राजनीति उन्होंने वहां पर सीधे सीधे अलग की है, भाजपा की राजनीति अलग, जेडीयू की राजनीति अलग। तो नीतीश कुमार को लेकर के एक है कि अभी भी और इनके लिए सच में ये बहुत त्रासद स्थिति होगी, भले वो पांव छूले, भले वो हाथ इस तरह से अलट पलट कर देख रहे हो, छूकर देख रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो। नीतीश की एक के बारे में एक चीज ये भी है कि वो बीमार भी है। अब नीतीश से छोड़िए, यहाँ तो अमेरिका में जो बाइडन भी बीमार चल रहे हैं और उसके बारे में बात की जा रही है कि छुपाया जा रहा है, हमारे यहाँ सेम वही स्थिति जो है वो इनके साथ भी है नीतीश। हाँ, तो ये चीजें क्या है वो अलग बात है, लेकिन जो उनकी राजनीति है उस राजनीति में हम लोग, ये त्रासद स्थिति होगी अगर हम लोग देखेंगे कि उस पाले में इनको जाते हुए देखेंगे। हमने हमेशा नीतीश कुमार को देखा है भाजपा के साथ रहते हुए भी अपनी राजनीति अलग करते हुए, और ये नालंदा वाले भाषण के मौके पर फिर से स्पष्ट हुआ कि उनकी राजनीति अलग है। अब आगे जो है वो इस पे देखना है कि जो नीट वाला मसला है और जो ये आरक्षण वाला मसला है, इन दो मसले पर, क्योंकि स्पीकर वाले मसले पर मुझे उतना नहीं लग रहा है क्योंकि ऑलरेडी इनके राज्यसभा में स्पीकर हैं हरिवंश जी, तो ये एक चीज है जहां पे जेडीयू जो है वो पहले से फायदे की स्थिति में है इस उसके कारण, तो ये एक चीज है, या इनका जो भी है वो जो उनका बनता है वो उसका स्टेक है वहां पर। तो ये दो मसले पर आगे नीतीश कुमार को देखना होगा कि वो अपनी राजनीति को किस तरह आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि यहाँ पर भाजपा के उसमें आ जाने का मतलब होगा अपनी पूरी राजनीतिक जमीन को छोड़ देना, जो कि सबसे बड़ी जमीन रही है नीतीश कुमार की, सोशल जस्टिस की, जाति जनगणना सर्वे के बारे में कराना और जो है जातियों को उसके प्रतिनिधित्व के आधार पर आरक्षण देने की बात करना, नवी अनुसूची में उसको ले जाने की बात करना, ये तमाम चीजें जो है वो नीतीश कुमार के अपने लंबे समय से उनकी राजनीति का हिस्सा रहे हैं। तो ये इन चीजों में हमें आगे अभी देखना है कि वो क्या स्टैंड लेते हैं, लेकिन उस भाषण से मुझे फिर से लगा कि नीतीश कुमार को इतनी आसानी से खारिज मान लेना, कमजोर नीतीश मान लेना और ये मान लेना कि अपनी राजनीति छोड़ देंगे, ये गलत बात है। ये शायद हमने भी बहुत जल्दीबाजी कर ली होगी ऐसा कहने में, अंदर जो है वो अपनी राजनीतिक जमीन को पकड़े हुए दिख तो रहे हैं, वो भी प्रधानमंत्री के सामने उन्होंने असहज कर दिया था उन्हें। जी जी, असहज कर दिया था, उस भाषण को सुना था हम लोगों ने, उसके एक अंश को सुनाया भी था इस कार्यक्रम में, और उनका जो भाषण और उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि ये प्रक्रिया चल रही है और यूपीए के सरकार से चल रही है, और वहाँ हालांकि ये भी बताते हुए नजर आए कि हालांकि अभी वो प्रक्रिया और मैंने कई बार चिट्ठी लिखी और ज़मीन हमने अलॉट करवाया, राज्य सरकार ने ज़मीन दी, उसके बाद में कैसे ये जगह फिर से इसका पुनरुत्थान हुआ, ये सारी बातें बताते हुए नजर आए, लेकिन साथ साथ उनकी जो राजनीति है उसकी दिशा अलग दिखाई देती है, जो आप कह रही हैं मनोरमा जी, उसी दिशा की हम यहाँ बात कर रहे हैं, चाहे नीतीश कुमार की राजनीति की दिशा हो और चाहे चंद्रबाबू नायडू की राजनीति की दिशा हो, और इन दोनों की राजनीति की दिशा में क्या फिट बैठते हुए नरेंद्र मोदी दिखाई देते हैं, क्या नरेंद्र मोदी को इन दोनों का जो साथ मिला हुआ है वो साथ लंबा चल सकता है, इसी की चर्चा कर रहे हैं हम, और साथ साथ एनडीए में क्या इसके कारण कोई फूट या कोई घमासान दिखाई देता है। क्लोजिंग कमेंट के लिए आऊंगा और गर साहब आपके पास ही ये कुछ कुछ बातें मैं रख चुका हूं, प्लीज आपकी इस पर आपका विश्लेषण, कुछ और जोड़ना चाहते हैं तो प्लीज जुड़िए। नीतीश कुमार को लेकर बहुत जरूरत से ज्यादा डिबेट में है नीतीश कुमार, उसकी जरूरत ही नहीं है। नीतीश कुमार का देखिए दो चीजें हैं, नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस क्यों छोड़ा, उन्होंने इसलिए छोड़ा जो केसी त्यागी ने पब्लिकली कहा भी कि उनको इंडिया अलायंस का संयोजक तक बनाने के लिए तैयार नहीं थे वहां पर इंडिया अलायंस। तो कौन लोग नहीं थे तैयार? ममता और केजरीवाल ने आपस में मिलके एक जो भी किया बातचीत की, और अब यूनिलेटरली या बायोलेटरली घोषणा कर दी खड़के जी के लिए, वो ट्रिगर था नीतीश कुमार को बाहर करने का। क्या इंडिया अलायंस में वो
परिस्थितियां बदल गई हैं क्या जिसके कारण नीतीश कुमार को जाना पड़ा था? नहीं बदली है। नीतीश कुमार अब मानते हैं या उनके लोग मानते हैं कि उनके लिए अब कोई जगह नहीं है इंडिया अलायंस में लौटने की, पहली चीज। तो हमको इस चीज से मुक्त हो जाना चाहिए कि नीतीश कुमार अब कोई पलटी मार सकते हैं। उन्होंने कई बार कह दिया है कि अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। दूसरी चीज ये कि जब नीतीश कुमार ने 2022 में, अगस्त 2022 में बीजेपी का साथ छोड़ा था और गवर्नर साहब से मिलने के बाद सीधे लालू यादव के घर पे गए थे, गिरा दिया था उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार को, तब सुशील मोदी ने एक बात कही थी और वो ये कही थी कि लालू नीतीश कुमार को उपराष्ट्रपति बनाने से मना कर दिया गया, इसलिए नीतीश कुमार ने महागठबंधन को तोड़ा है। और उसी अगस्त में धनखड़ साहब का अपॉइंटमेंट हो गया। नीतीश कुमार किसी बड़े प्रॉमिस के तहत बिहार के चुनावों तक मुख्यमंत्री हैं। बिहार में जेडीयू में अब जो जितने फैसले हैं वो नीतीश कुमार ले रहे हैं कि कोई और लोग मिलके ले रहे हैं, वो हम लोगों को पता नहीं है जी। इसलिए नीतीश कुमार अब इररिलेवेंट हो गए हैं। उनका उपयोग भारतीय जनता पार्टी, जो एक बड़ा वर्ग है पिछड़ों का, जिनको वो जाति जनगणना के कारण अपने साथ ले आए पूरे के पूरे समूह को, आप देखिए कि जब वो नीतीश कुमार आए थे बीजेपी के साथ और उनके व्यवहार को देखकर, उनकी चीजों को देखकर, एक ही जो बात कही जा रही थी ना कि अरे ये लायबिलिटी हो गए हैं, ये हरा देंगे बीजेपी को बिहार में, डिबेट में ये चल रहा था कि नीतीश कुमार के कारण बीजेपी को बिहार में नुकसान होगा, 12 सीटें लेके आए हैं नीतीश कुमार। उसका बेसिक रीजन ये कि वो जिस वर्ग को बिलोंग करते हैं और जिस वर्ग का रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो उनके साथ गोंद की तरह चिपका हुआ है बिहार में। तो नीतीश कुमार को ये पता चल गया है कि उनकी उपयोगिता क्या है और वो उपयोगिता राहुल गांधी ने समझी थी कि जातीय जनगणना का उनका जो मंत्र था उसको राहुल गांधी ने हाईजैक कर लिया पूरे के पूरे, मतलब जो उनका थीसिस था उसको राहुल गांधी ने। तो ये पता है बिहार के लोगों को कि जातीय जनगणना का पूरा जो मामला है वो नीतीश कुमार की देन है देश को। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि नीतीश कुमार का एक रोल था, वो खत्म हो गया है बिहार में और चुनाव तक रहेगा वहां, बिहार के चुनाव तक, विधानसभा चुनाव तक। बिहार में उनका क्या उपयोग, कितना उपयोग बीजेपी को करना है पॉलिटिकल, वो करेगी। रही बात चंद्रा बाबू की केंद्र की राजनीति में भूमिका, अभी शुरू नहीं हुई है राजीव जी। चंद्रा बाबू बहुत एम्बिशियस हैं और उनके एम्बिशंस, अगर आपको याद हो तो वो थर्ड फ्रंट बनाना चाहते थे। जब ये विपक्ष का मोर्चा बन रहा था इंडिया गठबंधन के पहले की मैं बात कर रहा हूं, तो जो सबसे ज्यादा एक्टिव थे वो चंद्रा बाबू थे, जो लोगों से मिल रहे थे इधर उधर जाके। चंद्रा बाबू भी मिल रहे थे और केसीआर भी मिल रहे थे। तो चंद्रा बाबू जो है वो प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, उनका जो असली सपना है वो प्रधानमंत्री, वो स्टेट की पॉलिटिक्स में अपने आप को एक
पांच साल रहेंगे वो स्टेट की पॉलिटिक्स में आंध्र में, क्योंकि काफी समय बाद आए हैं और बड़ी मैंडेट के साथ वो आए हैं। तो इसलिए क्या है कि चंद्रा बाबू में नरेंद्र मोदी एक कॉम्पिटिटर देख सकते हैं और नीतीश कुमार में एक सबॉर्डिनेट देखते हैं। तो दोनों की भूमिकाएं अलग अलग हैं, इसलिए चंद्रा बाबू अपना काम निकाल लेंगे सारा का सारा, उनको जितने पैसे चाहिए ले लेंगे, पर नरेंद्र मोदी एक स्थिति के बाद झुकेंगे नहीं, क्योंकि स्टेट्स के साथ जो संबंधों को लेकर जो अब पूरे के पूरे मामले इक्वेशंस बदलने वाले हैं, अगर जीएसटी काउंसिल की जो जीएसटी को लेकर जो आज बैठक हुई निर्मला सीतारमण की, और उसमें जिस तरह की बातें हुई हैं, अगर आप उसका स्टडी करें कि पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में लाने की जो बात हुई है, ये तमाम चीजें बताती हैं कि अब जो केंद्र सरकार है उसको स्टेट्स के साथ मिलकर काम करने की तरफ वो बढ़ रही है। आगे वो स्टेट्स के साथ कॉन्फ्रंटेशन को छोड़ने वाली है केंद्र सरकार। आप पाएंगे आने वाले दिनों में कि ये जो गवर्नर्स का एटीट्यूड है राज्य सरकारों के प्रति, वो भी चेंज हो जाएगा। ये हमको विजिबल नहीं होगा बहुत सारी चीजें, पर हम देखेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरा ये, मैं मतलब नीतीश कुमार को बहुत ज्यादा रिलेवेंट नहीं मानता, एक उतना रिलेवेंट मानता हूं कि वो बिहार के चुनाव तक अगले साल तक उनकी भूमिका रहेगी। और बिहार का क्या, झारखंड में भी बिहार का इम्पैक्ट काफी रहता है, तो वो भी इम्पैक्ट करने वाला है। तो बिहार और झारखंड के जो चुनाव हैं वो इम्पोर्टेंट हैं। उसके बाद फिर मोदी जी की स्कीम सर बहुत लंबी होती हैं, बहुत दूरी का भाला फेंकते हैं वो, इसलिए उनके वो उनको अपने पांच साल पूरे करने हैं, तो इसलिए वो अलग तरह से जुट गए होंगे काम में मोदी जी। और मोदी जी कमजोर दिखना चाहते हैं ऊपर से, पर वो अंदर से उतनी ही ताकत ग्रहण करने की कोशिश कर रहे होंगे, ऐसा है ये मामला। जी जी बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। नवेंदु जी दोबारा जुड़ गए हैं, समय हालांकि खत्म हो रहा है। नवेंदु जी एक आध लाइन में जरा अपनी बात जो आप रख रहे थे उसको क्लोज कीजिए जल्दी से, फिर इस कार्यक्रम को समाप्त करें और सीधे चलेंगे देखेंगे किशोरी लाल शर्मा जिन्होंने स्मृति ईरानी को हराया, वो क्या कुछ कह रहे हैं बुशरा खानम से बातचीत में, वो भी हम देखेंगे। लेकिन नवेंदु जी प्लीज। जी, तो जो मैं कह रहा था, एक डेवलपमेंट और हुआ है बिहार में, और वो है कि विधान परिषद के सभापति की सीट खाली हुई, चूंकि देवेश चंद्र ठाकुर सीतामढ़ी से लोकसभा सांसद चुने गए हैं, तो उनके बाद वो सभापति थे तो वो सीट खाली हो गई। यहाँ देखिए, नीतीश कुमार ने बिना किसी शर्त के, बिना किसी टर्म्स कंडीशन के, उन्होंने उस पद पर जो है बीजेपी के जो पहले सभापति हुआ करते थे अवधेश नारायण सिंह, तो अवधेश नारायण सिंह को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, तो अनकंडीशनल एक्सेप्ट कर लिया उन्होंने, जबकि विधानसभा के अध्यक्ष ऑलरेडी बीजेपी के हैं और अब ये विधान परिषद के भी सभापति जो है वो बन गए बीजेपी के, और नीतीश ने खुद उनको आसन पर बिठाया। तो नीतीश अब सीधे तौर पर राजनीति ये कर रहे हैं कि उनको जो बिहार के वायदे जो उन्होंने किए हैं वो वायदे वो पूरा करा सके मोदी सरकार से। रही बात ये कि 24 का चुनाव तो खत्म हो गया, 25 के चुनाव में मेरा मानना ये है कि नीतीश कुमार उसी तरीके से रिलेवेंट बने रहना चाहते हैं, बल्कि मूल लड़ाई अब नरेंद्र मोदी के साथ या बीजेपी के साथ उनकी ये चल रही है, जिसको कहते हैं तुम्ही से मोहब्बत तुम्ही से लड़ाई, तो वो ये कि 25 का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, बीजेपी को या फिर आरजेडी को नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं, उनका मुख्यमंत्री बने रहने का एक सपना है और ये सपना वो 2025 में भी देख रहे हैं। तो इस नाते अब जो पूरी पॉलिटिक्स सजा रहे हैं नीतीश कुमार, अभी हो सकता है कि लोगों को लगे कि चंद्रबाबू नायडू के सामने वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं रह गए हैं, लेकिन नीतीश पूरी तरीके से मोदी के साथ रह के लेकिन अपनी राजनीति करेंगे। दिलचस्प होगा देखना ये कि इस मारकाट की राजनीति में
नीतीश कितना कुछ अचीव कर पाते हैं और नरेंद्र मोदी क्या बीजेपी की सरकार बिहार में बनवा सकते हैं। इसलिए कि देखिए बिहार और उत्तर प्रदेश या अन्य जगहों की स्थिति बिल्कुल अलग है। वो ये है कि बीजेपी कभी भी चाह के भी मुख्यमंत्री अपना नहीं बना सकी। कारण है यहाँ का सामाजिक गणित, और उस सामाजिक गणित में ये जातीय जनगणना का सवाल, आरक्षण का सवाल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। अब गेम जो है नरेंद्र मोदी के पाले में डाल दी गई है और यह गेम ही 2025 का गेम भी सेट करेगा, मुझे लगता है सर। जी बिल्कुल, 2025 आने में अभी 6 महीने का वक्त है, लेकिन उसके साथ साथ आप जानते हैं कि सियासत में बहुत कुछ होना है और 24 तारीख सामने है यानी परसों सोमवार को, और वहां से एक नई राह हम देखेंगे इस सरकार की भी और संसद में विपक्ष की भी, और इसके साथ साथ विपक्ष कितना मजबूत दिखाई देता है या विपक्ष यहाँ कमजोर होता है, कैसे सरकार आगे बढ़ती है, नरेंद्र मोदी की सरकार आगे की सीढ़ियां और कैसे चढ़ती है, ये सब कुछ हम देखेंगे आने वाले समय में। लेकिन इन सब के बीच क्या एनडीए इंटैक्ट रहेगा, मजबूत रहेगा या घमासान, अभी हम और देखेंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया नवेंदु जी आपका, मनोरमा जी आपका, प्रशांत टंडन जी, श्रवण गर्ग साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अमलेंदु उपाध्याय जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप लोगों का, और धन्यवाद आप तमाम साथी जो हमारे साथ। आशा है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके बताएं आपकी राय क्या है। और अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि अगली जब वीडियो अपलोड हो तो आपका इसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। और अगर आपने हमारा फेसबुक पेज फॉलो नहीं किया है, फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। धन्यवाद।